नमस्कार दोस्तों, जय गुरुजी। बस जय गुरु जी सर। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हो सर। जय गुरु जी सर। जय गुरुजी सबजीत मैम, जय गुरुजी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दिल से आज के वेबिनार में। आज कुछ नया आप लोग सीखने जा रहे हैं और बहुत जबरदस्त वाइब्रेशंस है इन रेमेडीज की भी। दोस्तों, लाइफ के अंदर हम जब भी कहीं ना कहीं पे लगता है कि हमने बहुत पूजा आराधना करी है, उसके अलावा हमारे लाइफ में लगता है कि कुछ और चीज की भी कमी है, तो वहां पे ये रेमेडीज हमें बहुत बड़ा सपोर्ट दे देती हैं। मैं खुद काफी टाइम से इन रेमेडीज के साथ जुड़ा हुआ हूँ। बहुत छोटी छोटी और कमाल की रेमेडीज हैं, तो जब देखा कि हाँ यार, ये वर्किंग कर रही हैं, क्लाइंट्स में भी कर रही हैं, 10,000 15,000 का डेटा भी है हमारे पास, तो सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ लेक्चर्स या और चीजें करके आपको इसकी जो वाइब्रेशन है उससे आपको अवगत कराया जाए। तो सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं और विजय भाई का भी स्वागत करता हूं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। विजय दुबे जी जो हैं मेरे ही स्टूडेंट हैं और पिछले 3 साढ़े 3 साल से हम साथ जुड़े हुए हैं। बट उससे पहले मेरा एक छोटा सा मैसेज, अभी भी कोरोना खत्म नहीं हुआ, बिल्कुल अवेयर रहें, बिना मास्क के घर के बाहर नहीं जाना, जितना हो सके विदाउट इमरजेंसी बिल्कुल मत जाओ। कोशिश यही करो कि अभी भी जितना संयम, जितना धैर्य रख सकते हैं रखें, क्योंकि बहुत चीजों का हमें मालूम ही नहीं है कि क्या भी चेंज हो सकता है। विजय दुबे मेरे स्टूडेंट हैं और कहीं ना कहीं से हम पिछले 3 साल से जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। नमस्कार, नमस्कार विजय भाई। नमस्कार सबको। नमस्कार सर, आपको भी नमस्कार सर। चरण स्पर्श नमस्कार, आशीर्वाद है आपका। जय गुरु जी डियर, जय गुरु जी। जय गुरु। विजय दुबे जी ने मेरे से सीखा था अप्रोक्स 3 साल पहले, और सीखने के बाद इन्होंने और भी चीजें साथ में सीखी। अच्छी बात यही है दोस्तों कि जब भी आप लाइफ में बहुत सारी चीजें सीखते हो तो उसके अंदर, जिसके अंदर से जो भी खूबी होती है वो निकल के आती है। मैं चाहूंगा विजय भाई थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दें ताकि हम थोड़ी देर में अपनी क्लास स्टार्ट कर सके। जय गुरु जी विजय भाई। जय गुरु जी। जय गुरु जी सबको। इंट्रोडक्शन क्या यार, एक छोटा सा स्टूडेंट ही हूँ मैं भी, और हमेशा अपने आप को एक स्टूडेंट ही मानता हूँ। मेरा नाम है विजय दुबे, और कहते हैं ना कि जब तक गुरु का हाथ नहीं होता किसी चीज पे, तो वो चीजें कभी भी एक ऊंचाई पे नहीं चढ़ती हैं, ऊंचाई पे नहीं पहुंचती हैं। चाहे आप कुछ भी कर लो, अगर गुरु के सानिध्य में रहोगे तो बहुत कुछ पालोगे इस चीजों को। मेरा नाम है विजय दुबे, मैं एक एस्ट्रोन्यूमोलॉजिस्ट हूँ। सर का आशीर्वाद है, न्यूमोलॉजी में मेरे गुरु हैं, और भी चीजें मैंने इनसे सीखी हैं। पायरा वास्तु एक्सपर्ट हूँ, ऑरा स्कैनर भी करता हूँ मैं, और रेमेडीज भी, और भी मॉडलिटीज हैं, पर ये सब चीजें हैं थोड़ी थोड़ी करता रहता हूँ मैं, और स्टूडेंट को सीखने की कोशिश करता हूँ और रोज सिखाने की कोशिश करता हूँ आगे। जो हम आज बात करेंगे रेमेडीज के बारे में, तो सबसे पहले तो मैं ये चीज से स्टार्ट करना चाहूंगा कि ईश्वर में है रास्ता। क्या कहते हैं, ईश्वर में है अगर विश्वास तो उलझनों में भी है रास्ता, ईश्वर में है अगर रास्ता तो उलझनों में भी है रास्ता। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि ईश्वर के अंदर हमेशा एक ट्रस्ट रखें चीजों को रखें, और ट्रस्ट रखेंगे तो सब चीजें अच्छी होंगी आपकी लाइफ में। चीजें आती जाती रहती हैं। रेमेडीज वो एक चीज है जो हमार को बारिश के अंदर भीगने से बचाती हैं, बट ईश्वर ने अगर आपको भीगना लिखा है तो आप भीगेंगे जरूर। आपने देखा होगा कि आप छतरी लेके बारिश के अंदर चलते हैं, बट बारिश फिर भी पड़ती है, बचाती तो है पर पैरों में थोड़ी बहुत छींटे आती हैं, यानी गीला। ईश्वर ने अगर लिखा है गीला होना तो गीला होंगे आप। तो ऐसे ही रेमेडीज हैं, जब आप रेमेडीज करती हैं तो जो प्रॉब्लम्स होती हैं उस प्रॉब्लम्स को वो ठीक करता है, काफी एनर्जीज को डाउन करता है हमें उस टाइम। जैसे हमारा अगर एक्सीडेंट तेज होना लिखा है तो वो स्लो में ही खत्म हो जाएगा, चीजें हमारे साथ काफी फास्ट मूविंग से आनी है, उस चीज को वो बैरियर लगा देगा और चीजों से हमें निकाल देगा। तो ये वो रास्ता हमें दिखाती है रेमेडीज। तो हम कहते हैं कि रेमेडीज होती क्या है, व्हाट इज उपाय, उपाय क्या होता है, रेमेडीज क्या होती है। उपाय का मतलब है साधना, साधना हो गया, तरकीब हो गई, युति हो गई,
तो ये सब करने की चीजों को हम उपाय कहते हैं, यानी कि रेमेडीज कहते हैं। तो रेमेडीज पे आने से पहले एक चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा थोड़ा सा, कि हमेशा ध्यान रखना, कई बार क्या होता है कि रेमेडीज तो आपको कई लोग दे देते हैं, ठीक है ना, बहुत लोग हैं, मेरे से पहले भी दे रहे हैं, अब भी दे रहे हैं, मेरे बाद भी देंगे, और अच्छी बात है। रेमेडीज देने से अगर किसी का भला होता है तो अपने पास रखनी भी नहीं चाहिए, बताते रहना चाहिए निरंतर। तो रेमेडीज जब देते हैं कई लोग, पर मैंने ज्यादातर देखा है अपने इतने एक्सपीरियंस के अंदर कि रेमेडीज तो आपको दे देते हैं, बट उसको स्टार्टअप करना कैसे है वो नहीं बताते आपको। मींस स्टार्टअप करने का मेरा मतलब हुआ कि रेमेडीज आपको करनी स्टार्टिंग कैसे है, मतलब मैं आपको यही चीज अभी स्टार्टिंग में यही चीज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा इसके लिए, कि रेमेडीज करने से पहले कभी भी कोई भी रेमेडीज करो, हर एक रेमेडीज में एक एनर्जीज होती है, पावर्स होती है। ऐसा नहीं है कि आपने लिया और उठा के कर दिया, नहीं। देखो अभी कितने सालों से वो रेमेडीज की पावर चलती आ रही है, स्टेप बाय स्टेप, इससे पहले किसके पास थी, उससे पहले, तो कितने लोगों की एनर्जीज इसमें पावरफुल जुड़ के आती है। तो हमेशा मैं आपको यही कहता हूँ, सबको यही समझाता हूँ कि रेमेडीज करने से पहले आपको स्वच्छ होना बहुत जरूरी है, यानी कि जिस दिन भी आप रेमेडीज करें उस दिन आप कोशिश करें, अगर नए कपड़े डाल सकते हैं तो इट इज वेल एंड गुड, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नए कपड़े नहीं है तो आप कपड़े डालें, एटलीस्ट नहा धो लें। नहा धोने में भी अगर कई बार आपको प्रॉब्लम है कि आप नहा नहीं सकते, तो कम से कम एटलीस्ट आप अपने आप को स्पंज तो कर लें एटलीस्ट, क्योंकि उसके बाद आपको जो सामान बोला गया होता है वो सामान प्रॉपर ढंग से आपके पास होना चाहिए। दूसरा, जिस पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ आपको रेमेडीज दी जाती है, उस पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ उस रेमेडीज को करने का पॉजिटिव नजरिया आपका होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा नहीं है कि रेमेडीज तो आपने ले ली मन माने अनमाने, और ये दिमाग में चलता रहा, रेमेडीज भी कर रहे हैं कि यार ये होगा नहीं होगा, इट कुड बी हैपन और नॉट, तो वो चीज कभी नहीं होगी। बिकॉज रेमेडीज जब हम करते हैं, हमारी वाइब्रेशन जो होती है पॉजिटिव, उस रेमेडीज को पूर्ण करने के लिए बहुत ही योगदान होता है, पॉजिटिव योगदान, बहुत योगदान देती है वो उसको। जब हमारे दिमाग में अगर रेमेडीज का अप एंड डाउन चलता रहेगा, यानी कि यार ये होगा नहीं होगा कैसे होगा, और हम रेमेडीज भी कर रहे हैं, तो वो रेमेडी कभी फलीभूत नहीं होती है, मींस अपने चरम पे नहीं पहुंच पाती है वो रेमेडीज। आप इस चीज का ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। ये चीजों को ध्यान रखोगे तो रेमेडीज आपकी जरूर फलीभूत होगी। क्योंकि कई लोगों को रेमेडीज देने के बाद फोन भी आए, सर ये रेमेडी काम नहीं की। जब हमने उनसे पूछा कि सर रेमेडीज आपने कैसे की, प्रोसेस थोड़ा सा आप बता देंगे, तो उन्होंने बताया सर ऐसे, तो वहीं कहीं ना कहीं वो गलती थी, दिमाग में वो नेगेटिव थॉट्स आई, या सामान पूरा नहीं लिया, या जितने डेज के लिए वो रेमेडीज बोली थी उतने डेज के लिए नहीं कही, जो क्लोथ्स आपको बोले थे पहनने के, कई चीजों में कपड़े भी होते हैं बैरियर पहनने के, कि इस रंग के क्लोथ्स आपको पहन के करने हैं, तो वो नहीं पहने। दूसरा, काले और नीले कपड़े पहन के कभी भी आपको रेमेडीज नहीं करनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। और दूसरा, आसन का प्रयोग नहीं होता है। अब इस पे एक चीज बात अड़ जाती है कि आसन कैसे लाया जाए, क्योंकि हर एक रेमेडीज को करने के लिए अलग अलग आसन के प्रयोग होते हैं, ठीक है ना। बट अब किसी के पास आसन की व्यवस्था ही नहीं है तो क्या करेगा, तो उसके लिए सबसे बड़ी एक चीज आपको बता रहा हूँ, नोट कर लेना आप लोग, अगर किसी के पास आसन की व्यवस्था नहीं होती है तो वो अगर एक माचिस की तीली भी आप अगर ऐसे बैठते हैं करके नीचे आलती पालती मार के, माचिस की तीली भी अपने पैर के नीचे रख लेंगे ना, तो वो भी एक आसन का काम करती है। ये शायद आपको पता है या नहीं पता, मुझे नहीं मालूम। अगर आपके पास आसन नहीं है तो आप माचिस की तीली भी नीचे रखें, जरूर रखें, ये आसन का काम करती है, ठीक है ना। तो ये एक रेमेडीज के तरीके मैंने बताए आपको कि रेमेडीज आपको करनी कैसे है, कहाँ से करनी है, कैसे करनी है। और हमेशा जो भी रेमेडीज होती है, जो सात्विक रेमेडीज होती है, वो हमेशा सूरज निकलने के बाद से सूरज ढलने के बीच में होती है। तांत्रिक रेमेडीज भी होती हैं, जिसको हम आप कहते हैं कि कोई व्यभिचार का रेमेडीज कर रहा है, संबंध की रेमेडीज कर रहा है, कई चीजों की रेमेडीज जो तांत्रिक में भी यूज होती हैं, वो हमेशा रात को क्रियाइज की जाती है। तो हम जो आज आपको बताएंगे वो एक सात्विक रेमेडीज है सारी, जो दिन में करने वाली है। तो हमेशा इसका ध्यान रखना, अगर मैं किसी में टाइम भी नहीं बताऊंगा तो समझ लेना दिन में से लेके शाम के बीच में करनी है, और जो टाइमिंग किसी का होगा वो मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा। तो ठीक है राधे राधे, बिल्कुल राधे राधे जी, बिल्कुल शुरू करते हैं। एक मिनट दो बस, मुझे मैं इसको और एक बार चेक कर लूं जी, प्लीज।
चलो अनम्यूट करो विजय भाई, अब अनम्यूट करो अपने आप को, चलिए स्टार्ट करिए। जी नमस्कार, दोबारा से हम लोग आए हैं रेमेडीज, अब रेमेडीज करेंगे। तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, आज हम बैठे हैं तो अपने गॉड गुरु गाइडेंस ईश्वर को याद करके बैठे, याद करें उन्हें, क्योंकि आज आप कुछ चीज सीखने आए हैं, ठीक है। चाहे वो ठीक है फ्री है, अभी वेबिनार है फ्री है, बट एटलीस्ट सीखने तो आए हैं, तो अपने गॉड गुरु गाइडेंस को याद करें और उनको याद करके ये बोलें कि सर जो आज मैं चीजें जिनसे भी ले रहा हूँ वो चीज मुझे पूरी तरह ग्रहण हो और वो मेरी पूरी तरह मेरे लिए काम करे, वो कामगार हो। राधे राधे, यही आशा करके मैं कहता हूँ रेमेडीज को हम लोग चालू करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री राधे। पहली रेमेडीज है हमारी, कई बार हमने देखा है कि हमारी रेमेडीज का आजकल टॉपिक क्या है, रिलेशनशिप रेमेडीज। बहुत तरीके की हमारे पास, बहुत चीजों की रेमेडीज है, पर आज हमारा जो टॉपिक है सिर्फ वो रिलेशनशिप पे है। रिलेशनशिप का मतलब क्या है, कई लोग वो रिलेशनशिप सिर्फ यही समझते हैं कि सिर्फ एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का रिलेशनशिप होता है, ठीक नहीं। रिलेशनशिप आपका जो होता है वो एक हस्बैंड वाइफ का भी हो सकता है, एक फादर मदर का भी हो सकता है, एक भाई बहन का भी हो सकता है, एक भाई भाई का हो सकता है, एक बॉस एम्प्लॉय का हो सकता है, ठीक है ना। तो रिलेशनशिप कई तरीके के होते हैं। अब उसमें क्या होता है, कई रिलेशनशिप में बाउंडिंग्स की प्रॉब्लम्स होती है कई बार में। अब जो मैं पहली आपको रेमेडी बताना जा रहा हूँ वो हमारी रेमेडी है पहली, कि पति पत्नी में अनबन। आज का जो सिनेरियो चल रहा है, सबसे ज्यादा मैंने ये केसेस बहुत अब देखे हैं, आज तक इतने केस नहीं देखे जितने लॉकडाउन में मैंने केसेस देखे लास्ट ईयर से अब तक। इतने कॉल्स आए, इतने मैसेज आए कि अनबन, आपस में मनमुटाव, चीजें अच्छी नहीं चल रही, कोई भी इन्वॉल्वमेंट थर्ड पर्सन की है। तो एक जो मैं आपको रेमेडीज बताने जा रहा हूँ वो रेमेडीज आप लिख लें, क्या करना है, पहले सामान क्या क्या लेना है। ये रेमेडीज को हमने जो करना है वो करना है गुरुवार वाले दिन, ठीक है। वीरवार वाले दिन हमने रेमेडीज को करना है और शुक्रवार वाले दिन, किसी भी दिन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ये आपके ऊपर है, ठीक है। थर्सडे फ्राइडे और एक सर मंडे, तीनों दिन में से किसी दिन भी कर सकते हैं आप, मंडे थर्सडे एंड फ्राइडे, ये लिख लीजिएगा। ये रेमेडीज आप तीनों दिन में से कभी भी कर सकते हैं, इफेक्टिव बहुत पावरफुल है अगर आप इसको मंडे करते हैं तो, ठीक है। बाकी डेज भी इफेक्टिव है बट मंडे और पावरफुल है, शुक्ल पक्ष के जो पहले सोमवार को अगर आप करते हो, ठीक है। अब हम चलते हैं, क्या करना है आपने। एक तो 5 हल्दी की गांठे लेनी है साबुत। कई लोगों को मैंने देखा है कि हल्दी की गांठे टूटी हुई ले लेते हैं, ध्यान नहीं देते। देखो आप किसी चीज के लिए अगर पैसे खर्च रहे हैं और पैसे खर्च के कहीं से पे करके कोई चीज ला रहे हैं तो उस चीज को आप पूरे प्रॉपर ढंग से देख के लेके आए। हल्दी ऐसे नहीं कि उसको बोल दिया और वो जैसा दे दिया। 5 हल्दी की साबुत गांठे लेनी है, ठीक है। 1.25 मीटर पीला कपड़ा ले रहा है, पीला कपड़ा कोई दागी ना हो, क्योंकि कई बार दुकानदार अपना सामान बेचने के लिए सामान थोड़ा सा उल्टा सीधा भी देता है, वो आपको चेक करने है। पीला कपड़ा लेना है, 1.25 मीटर 5 हल्दी की गांठे लेनी है, ठीक है। जिन भाई बहनों के रिलेशन में प्रॉब्लम है पति पत्नी के बीच में, किसी भी टाइप का, चीजें दूर हो रही है, वो चीजें बाउंडिंग की कमी आ रही है, एक ही चीजें, तो आपने उसको लेना है। उसको लेके आपने शिवलिंग, जहाँ पे माँ शिव शंकर का मंदिर हो, माँ पार्वती शिव जी का मंदिर हो, शिव जी माँ पार्वती के मंदिर में जाना है सोमवार वाले दिन सुबह 12 बजे से पहले। अब ये टाइम मैं बता रहा हूँ, ये नोट करेंगे, 12 बजे से पहले जा रहा है, ठीक है, ठीक है। वो आपने जाना है वहां पे, पहुंच के आपने माँ पार्वती के आगे, भगवान शंकर के आगे बैठना है, ठीक है। बैठने के बाद आपने थोड़ा सा केसर और दूध भी साथ लेके जाना है, ठीक है। थोड़ा सा केसर और दूध भी साथ लेके जाना है, हल्दी की गांठे साबुत साथ, केसर, दूध थोड़ा सा, और 1.25 मीटर पीला कपड़ा आपने ये लेके जाना है। और वहां जाके आपने माता रानी को, माता यानी के माँ पार्वती को रिक्वेस्ट करनी है, भगवान शंकर को रिक्वेस्ट करनी है कि मेरे रिलेशनशिप में जो ये प्रॉब्लम आ रही है उसको ठीक करें आप। आपने उनके सामने ये सामान को सीधा लगा देना है, ये सामान हल्दी गांठे उनको छुआ के आपने उसमें 1.25 मीटर जो कपड़ा मैंने बोला हल्दी पीले रंग का, हल्दी वाला पीला कपड़ा, उसके ऊपर आपने रखना है, ठीक है। उस पोटली को आपने बांधना है, वहीं पे बांध के वहीं रखना है और रिक्वेस्ट करनी है 108 बार, ठीक है। 7 गांठे आपने लेनी है हल्दी की, 7, नॉट मोर देन 7, 7 गांठे लेनी है हल्दी की साबुत, टूटी ना हो, खंडित ना हो। वो रख के बांध के आपने वही शंकर जी के शिवलिंग के पास रखना है, माँ पार्वती के पास, और अपने रिक्वेस्ट करनी है शादीशुदा जिंदगी को ठीक करने के लिए, बाउंडिंग को बढ़ाने के लिए 108 बार क्या बोलना है, के हे माँ, हे बाबा,
जैसे आप दोनों का ये बंधन अटूट है ऐसे ही हमारा बंधन भी अटूट रहे, किसी और के आने के से ये बंधन ना टूटे किसी और के आने से। अब मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है, लाउड एंड क्लियर। बंधन ना टूटे, 108 बार ये मनी मन आपने जाप करना है, उसके बाद दूध में आपने वो केसर मिलाना है, उसके बाद वो केसर मिला दूध भगवान शंकर को चढ़ाना है और थोड़ा सा माँ पार्वती को चढ़ा देना है, और ये करके रिक्वेस्ट करके 108 बार बोल के ये गांठ की पोटली जो आपने बनाई है, पोटली को आपने ला के अंदर घर में अपने जहां आपका बेडरूम है उस बेडरूम के सिराने के नीचे इसको रख देना है आपने प्रॉपर सिराने पे रख देंगे। उसके बाद आप इसके ऊपर सो रहे हैं, सिरा रहा है, कोई बात नहीं, हल्दी गांठ टूट जाए कोई बात नहीं, क्योंकि कई लोगों का क्वेश्चन आएगा कि हल्दी गांठ तो नहीं टूट जाएगी, नहीं, और उसको आपने वहीं अंदर सिराने के नीचे रखे रहने देना, परमानेंट रखना है जब तक के वो खराब ना हो जाए। लंबा इतना लंबा नहीं है बोलना, 108 बार है। देखो जब चीजें खराब होती है ना तो इंसान 108 बार क्या 1008 बार भी बोलता है, क्योंकि प्रॉब्लम होती है ना, प्रॉब्लम तो दूर करनी है ना, तो यही तो चीजें अभी मैं बता रहा था कि कोई नहीं, आप कंटिन्यू करो, क्वेश्चंस लेंगे बाद में, आप पहले बताते हैं। तो आप इन चीजों को करने के आपने सिराने के नीचे रखना है और देखिएगा आप धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतेगा रिलेशनशिप में बॉन्डेज अच्छी होती जाएगी आपकी, ठीक है। ये रेमेडी आपने लिख ली, ठीक है सर। एक रेमेडी मैं आपको और देता हूँ रिलेशनशिप के लिए, ये मेजरली रिलेशनशिप हो गया, जो लोगों के बीच में ज्यादा तनाव है, ज्यादा प्रॉब्लम है और कुछ टाइम से बात नहीं कर पा रहे, चाहे वो रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ का हो या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का हो, जिसमें उनकी बात नहीं हो पा रही है एक डेढ़ महीने से दो महीने से, तो ये रेमेडी करनी है। ये रेमेडी करनी कैसे है ये आपको मैं बताता हूँ। आपने करना क्या, आपने कांच का गिलास लेना है बड़ा, जो चौड़ा हो, थोड़ा सा चौड़ा हो गिलास, और बड़ा गिलास लेना है घास का, गाय का ताजा दूध लेना है आपने। एक रेड कलर का मार्कर पेन नहीं लेना, मार्कर पेन ले ले या तो मिल जाता है, नहीं तो स्केच पेन ले, स्केच पेन इस बढ़िया, रेड कलर का एक स्केच पेन लेना है आपने, ठीक है। आपने करना क्या है, शुक्रवार को, एवरी फ्राइडे को करना है, ये सात शुक्रवार करने हैं, सात शुक्रवार करने हैं, टाइम दिन के ठीक 12 बजे। आपने क्या करना है, लाल वस्त्र धारण करने हैं शुक्रवार वाले दिन। लाल वस्त्र के अंदर आप टी शर्ट भी डाल सकते हैं, शर्ट भी डाल सकते हैं अपर पोर्शन में, क्योंकि नाभि से ऊपर का पोर्शन हमने, नाभि से ऊपर के पोर्शन को हम पवित्र मानते हैं, उससे नीचे के पोर्शन को हम पवित्र नहीं मानते हैं। आपने ग्लास लेना है, ठीक है, या तो आप मंदिर चले जाए, ठीक है, शुक्रवार को माता रानी के सामने बैठे, नहीं तो अपने घर में भी बैठ के कर सकते हैं, पर टोकने वाला नहीं होना चाहिए आपको, टोक नहीं होनी चाहिए, कोई टोकने वाला नहीं होना चाहिए रेमेडी को करते वक्त। अब आपने करना क्या है कि आपने करते वक्त ये रखा, आपने सुबह सारा सामान अपने सामने रख दिया, आपके पास अगर लाल नीचे बिछाने के लिए कुछ है, वस्त्र नीचे बिछाने के लिए जिसपे आप बैठ सके लाल रंग का, अगर नहीं है तो माचिस की तीली मैंने बताई वो आप अपने नीचे रखें और उसके ऊपर आप बैठ जाएं। गिलास के अंदर आपने करना क्या है, गिलास के अंदर जो कच्चा दूध गाय का लेना, ताजा कच्चा दूध लेना गाय का, उबालना नहीं है उसे, वो आपने उस गिलास के अंदर डालना है। ग्लास में डालने के बाद, ठीक है, दूसरा एक गिलास और लेना है कांच का, एक और दो गिलास लेने हैं, एक डाला फिर उसको वापस आपने दूसरे में डालने से पहले एक कांच के गिलास में आपने रख लिया डाल के, दूसरा जो कांच का गिलास होगा चौड़ा सेम, उसके तले में ग्लास के नीचे तला होता है ना बेस, उसके बेस पे आपने पेन से रेड कलर का जो पेन लिया यानी स्केच पेन, उससे आपने उस पर्सन का नाम लिखना है जिस भी पर्सन को आप चाहते हैं, जैसे हस्बैंड है वाइफ का, वाइफ है तो हस्बैंड का, ऐसे करके, या बॉयफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड का, गर्लफ्रेंड है तो बॉयफ्रेंड का, वो उसके नीचे आपने रखना है। रखने के बाद आपने उसके अंदर कच्चा दूध वापस उसके अंदर दूसरे ग्लास में डाल देना जिसमें आपने नाम लिखा। वो करने के बाद ठीक जैसी 12 बजेंगे आपने 108 बार उस पर्सन का नाम लेना है कि आपके साथ उसकी बाउंडिंग बहुत अच्छी है, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, आप दोनों में बहुत प्यार है, बहुत परस्परता है, बहुत ही बाउंडिंग है, ये कहते हुए वो दूध को धीरे धीरे आपने पी लेना है ठीक 12 बजे। ये चीजें आपने 7 बार करनी है, 7 times ये प्रोसेस आपने 7 बार करना है। इसको और अच्छी इंप्लीमेंट करने के लिए आप इसके अंदर
थोड़ा सा क्या कहते हैं हल्का सा मीठा भी डाल सकते हैं, आप चाहे तो हल्का मीठा डाल सकते हैं, वो भी डाल लें आप। तो इसको आप सात टाइम करना है, 7 times एवरी फ्राइडे। आप देखेंगे कि जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही थी, जो आपसे बात नहीं कर रहा था वो आपसे बात करना चालू कर देगा, रिलेशनशिप बेटर होनी चालू हो जाएगी। तो ये दो रेमेडीज आपको मैंने बताई हैं, तो आप इसको अगर कोई हो तो बताए, मुझे कुछ और समझना हो तो इसके। जी सर, मैं दोबारा आपको बताता हूँ। जी जेपी सिंह जी, जी बोलू सर, मैं बोलू बताऊ? आप बोलो, बोलो आप बोलो, आप बोलो। हाँ, आपने कांच का जो गिलास लिया ये आपने फ्राइडे को करना है। हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कांच का एक गिलास लेना है, उसके अंदर गाय का एक ताजा दूध लेना है आपने, एक पेन लेना है आपने रेड कलर का, ठीक है। उस गिलास के अंदर जो खाली गिलास होगा उसके अंदर आपने जिसके लिए भी आप करना चाह रहे रेमेडी उसका नाम लिखेंगे नीचे तले पे, ग्लास का जो तला होता है बेस, उस बेस पे नाम लिखेंगे आप, ठीक है। जैसे भी लिखा जाए, बस नाम लिखने से मतलब है, नाम लिख दो आप उसको, और ग्लास के ऊपर भी नाम लिख सकते हो, साइडों में भी कोई दिक्कत नहीं है, नीचे तो लिखना है ऊपर भी लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने इसके अंदर गाय का दूध डालना है और उस पर्सन को याद करके ठीक 12 बजे माता रानी के सामने कि मेरा रिलेशनशिप इससे ठीक हो गया है, इसकी मेरी बहुत अच्छी बाउंडिंग है, मतलब जो चीज हो चुकी है वो बोलनी, बहुत अच्छी बाउंडिंग है, ये कहते हुए उस गिलास को आपने धीरे धीरे पी लेना है, ठीक है। चाहे तो आप थोड़ा सा मीठा भी डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो ये है रेमेडी जी। 12 AM मीन्स दोपहर के 12 बजे, दोपहर के 12 बजे, रात को नहीं, दोपहर के 12 बजे। ग्लास के अंदर रखना है, ग्लास के अंदर अंदर लिखना है, ग्लास का जो बेस होता है नीचे का, अंदर से उसके ऊपर आपने लिखना है इस चीज। जी, ये तो आपको अभी दो रेमेडीज बताई हैं मैंने जी। कच्चा दूध ही बोला है प्रियंका जी, कच्चा दूध लेना है, गाय का कच्चा दूध आपने, ताजा कच्चा दूध उबालना नहीं है, 7 Fridays रेगुलर करना है आपको बिना रुके टुके, ठीक है जी। थोड़े से क्वेश्चन ले लें? हाँ बिल्कुल 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 ले सर, जब भी आप बताएं। जी मंडल जी। सर पहले एक मैं बात कहना चाहूंगा सर। हाँ प्लीज 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 प्लीज। राधे राधे, जय गुरु जी क्लास, राधे राधे। मैं राहुल, आपका दोस्त। ये वेबिनार आज लाने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि पिछले काफी समय से लॉकडाउन के अंदर हम लोगों गुरु जी के पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि रिलेशनशिप में कैसे किया जाए, रिलेशनशिप को कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि घर में बैठे हुए लोग आपस में बॉन्डिंग्स प्रॉपर नहीं हो पा रही थी। तो बाय गुरु जी संदीप सर की ब्लेसिंग से, गुरु जी की ब्लेसिंग से, विजय सर आज आपको, विजय दुबे जी लव एंड रिलेशनशिप, फैमिली रिलेशनशिप जैसे आपको रेमेडीज बता रहे हैं, आप इसको प्रॉपर लीजिए, सर ने जैसा गाइड किया वैसे आप कंप्लीट लीजिए। इसके बाद आपको विजय सर ये भी बताएंगे कि इस टाइप की जो और प्रॉब्लम लाइफ में आती है उसको कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए सर विजय सर आपके लिए कुछ लेके आए हैं, वो भी आपको जरूर देखेंगे। सर मंडल सर प्लीज, मंडल सर अच्छा सॉरी आप बताइए। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ जी। मंडल सर जय गुरु जी। जय गुरु जी सर, जय गुरु जी, जय गुरु जी सर, जय गुरु जी। गुरु जी कैसे हैं? बहुत बढ़िया, सब ब्लेसिंग्स गुरु जी की सर, सब ब्लेसिंग्स। गुरु जी, दुबे गुरु जी सर को भी मेरे तरफ से प्रणाम। नमस्कार नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ गुरु जी, एक बात यो, आपने जो कहा ग्लास में जो नाम लिखेगा, हाँ नाम लिखेगा वो ग्लास के अंदर पेंदी में या एट द बैक? पेंदी में ही बोला सर, बेस अंदर से, ग्लास के अंदर के बेस में, पेंदी में लिखना है अंदर से, तो थोड़ा ग्लास लेना। हाँ हाँ, हाउ इट इज पॉसिबल टू राइट उसको? बिल्कुल सर होता है सर, बिल्कुल होता है, चौड़ा ग्लास लेंगे लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है सर, जैसा भी लिखा जाए लिखना, हमारा मतलब क्या है, हमने आप वाइब्रेशन देनी है सर ऊपर वाले को, नाम अच्छा, लिखना है वो। अच्छा दूसरी बात, ये 7 times बोले हैं, मतलब फ्राइडे को, प्रत्येक फ्राइडे को 12 बजे उसको जो पिएगा तो एक ग्लास पिएगा की 7 glasses पिएगा? एक ग्लास सर, एक ग्लास, एक ही ग्लास बोला सर मैंने। अच्छा, एक ग्लास। ये रेमेडी 7 Fridays करनी है, हर फ्राइडे को 7 Fridays। और आप चाहे तो, हाँ आप चाहे तो तले के साथ साथ ग्लास के बीचों ऊपर भी लिख सकते हैं, अंदर अंदर भी ऊपर भी लिख सकते हैं ग्लास के, कोई हो जाएगी।
आपने मंडल साहब इमेजिनेशन करना है, अपने हाथ से ही चाय आप लिख रहे हैं, आप उसका नाम लेके गिलास के ऊपर एक वाइब्रेशन भेज रहे हैं। ठीक 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 है ना। जैसे मान लो अगर ये भी गिलास है, ये इसका ऊपर वाला सिरा है, तो आप यहाँ पे भी नाम लिख के उसकी वाइब्रेशन वहां पे डाल रहे हैं और जब वो पिएगा तो उसके मधुर संबंध स्टार्ट हो जाएंगे। जी 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 थैंक यू अभिषेक भाई। हाँ जी हेलो राधे राधे। और बताएं सर, और कोई किसी ने कुछ पूछना है? जी अभिषेक भाई जय गुरु जी। अभिषेक जी अनम्यूट करें आप। वर्षा मैम जय गुरु जी अनम्यूट करें प्लीज। जी सर मैंने पूछा था, मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही है जी, उसके बारे में पूछना था जी। मैम हाँ, इसके लिए मैम हम लोग 19 को एक कोर्स लेके आ रहे हैं, 19 को ठीक है, उसमें आपको सारी चीजों इसके अलावा भी बहुत चीजें आपको मिलेंगी, जैसे कोर्ट से रिलेटेड, रिलेशन से रिलेटेड, लव से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, काफी इसके अंदर प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मतलब बहुत चीजें हैं जो हम रेमेडीज की क्लास लेके आ रहे हैं 19 को। तो उसके लिए आप सर से आप एक बार बात कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है उसमें, उसमें सब चीजें आपको मैं जब ही बता पाऊंगा। ओके थैंक यू सर। क्लास हाँ, आज जो सिर्फ क्लास है वो सिर्फ रेमेडीज की है जी, इसी रिलेशनशिप की जी जी। ठीक है जी थैंक यू। सरजीत मैम जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। सर आप डबल माइक पे हो, सरजीत मैम आप डबल माइक पे हो, बहुत इको आ रहा है। हाँ जी सर ठीक कर दिया सर। जो हल्दी की गांठ वाला जो सर ने बताया था, अगर पति पत्नी दूर रहते हो या उनका ऑलरेडी रिलेशन ऐसा हो गया हो कि वो मतलब डिवोर्स नहीं हुआ बट वो ऑलरेडी बहुत दूर रहते, तो भी तो मतलब क्या ये जो गांठ है वो जी उस केस में आप दोनों रेमेडी करेंगे, जो दोनों रेमेडी बताई है। सेकंड रेमेडी मैंने स्पेशली ये बोली थी कि हाँ कि दो लोग दूर रह रहे हैं, आपस में बातचीत नहीं है, ये उसके लिए तो दोनों करेंगे आप दोनों करेंगे, हल्दी वाली भी पहली भी और सेकंड भी। ओके तो मतलब हल्दी की गांठ जो है वो पत्नी अपने तकिए के नीचे भी रख सकती है। बिल्कुल बिल्कुल आपको अपने तकिए के नीचे ही रखना है जी। ओके थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अर्पित जी जय गुरु जी। अर्पित जी जय गुरु जी। सर जी अर्पित भाई, गुरु जी जैसे ये कांपर करनी है जाके मंदिर में जो देखे लिख के करनी है, कौन से वाली मिल्क वाली बता रहे हैं आप? मिल्क वाली। देखिए मैंने कहा मंदिर में कर सकते हैं तो मंदिर में कर ले वेल एंड गुड, नहीं तो घर पे भी करें कोई इशू नहीं, पर जगह साफ हो, कोई रोके नहीं टोके नहीं, ये मैंने स्पेशली पहले ही बोला, बिना रोक टोक के ही रेमेडीज फलीभूत होती हैं। ठीक है जी, बिना टोक के आप घर पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर वेलकम। थैंक यू अर्पित। दिव्या मैम जय गुरु जी। जय गुरु जी सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया दिव्या मैम। सॉरी मैंने बहुत लेट ज्वाइन करा, अभी जैसे मैं रेमेडी के बारे में सुन रही थी जो कच्चा दूध डाल के, मेरे को थोड़ा सा ये तो समझ आ गया कि 12 बजे वो पीना है, बट वो क्या है वन डे फोर उसको करके रखना है या सेम डे ही करना है, टाइमिंग का थोड़ा? नहीं नहीं, आपने सुबह ही वो दूध लेके आना है कच्चा, उसी दिन सुबह लेके आना है कच्चे दूध को, गाय का कच्चा दूध, गाय का दूध होना जी जी जी, और उसी दिन आपने सेम लाके वो प्रोसेस उसी दिन करना है। और जो हल्दी की गांठ वाला है थोड़ा वो भी क्लियर कर, वो आप हल्दी की गांठ जो आपको करना है वो आप उस दिन भी ला सकती है, नहीं तो एक दिन पहले भी ला सकती है, कोई इशू नहीं। ओके ठीक है सर। दोस्तों हम एक अपना कोर्स लेके आ रहे हैं जिसके अंदर आपको इससे भी और बेहतरीन रेमेडीज बताई जाएंगी। इसके अंदर क्या है कि आपको लाइफ के अंदर रेमेडीज का बहुत बड़ा सपोर्ट चाहिए होता है, और ये सपोर्ट क्या है उसको पूरी नॉलेज लेना, ये हमारा आज का बैनर आ गया गलती से मेरे पास, थोड़ा विजय भाई बताओ, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ थोड़ी देर में जी। हम लोग का जो रेमेडीज कराने का मेन पर्पस है कि आप सब लोग, एक्चुअल में कई लोग कहीं जा नहीं सकते, लॉकडाउन भी है और किसी को बुला भी नहीं सकते, ऐसा आजकल इशू चल रहा है, तो रेमेडीज बताने का आप लोगों को सिखाने का ये पर्पस है कि छोटी छोटी रेमेडीज करके भी आप अपने लिए बेटरमेंट कर सकते हैं, क्योंकि रेमेडीज का मतलब ही यही होता है कि आपका अंदरूनी और आउटर बॉडी
जिससे ठीक हो वही रेमेडी कहलाती है। तो हमारा मतलब क्या, उस चीजों को ठीक करने आई है, हमारा मेन पर्पस चाहे वो हमारी इंटरनल परेशानी हो चाहे आउटर परेशानी हो, मतलब दोनों का ठीक करना रेमेडी से। तो यही रेमेडी का हम जो कोर्स लेके आ रहे हैं वो 19 को बजाज सर और हम लोग सारे मिलके, तो उस कोर्स का पर्पस ही हमारा यही है बजाज सर और हमारा, कि आप लोगों को उसके बारे में अवगत करा जाए। और इस रेमेडी के अंदर आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ हम रिलेशनशिप पे ही रेमेडी देंगे आपको, इसके अंदर आपको कोर्ट केसेस, प्रॉपर्टीज, ठीक है जी, हेल्थ इश्यूज, रिलेशनशिप, बच्चे के लिए भी, आजकल बच्चे बहुत गैजेट्स यूज करते हैं, मानते नहीं है, आपने देखा होगा बच्चे आजकल मानते नहीं है, गैजेट्स बहुत यूज करते हैं अनयूज, तो उस गैजेट से कैसे उसका उसको दूर करा जाए, थोड़ा उसको पढ़ाई में मन किया जाए, स्टडी से रिलेटेड रेमेडीज होंगा भाई, कंसंट्रेट से रिलेटेड रेमेडीज होंगी, मतलब काफी रेमेडीज है जो मेन प्रॉब्लम इंसान को होती है, उसके अलावा भी हम वो रेमेडीज आपको देंगे और सारी। तो वो जो कोर्स है उसका जो 19 को कोर्स होना है उसको आप ज्वाइन करें। ये तो सिर्फ आपको एक थोड़ा सा वे ऑफ बता रहा हूं मैं चीजों को, थोड़ा सा कि आपको पता चले कि रेमेडीज क्या होती हैं, कैसे करनी चाहिए और किस चीज के लिए। तो बहुत तरीके की रेमेडीज हैं हमारे पास जी। बिल्कुल विजय भाई, एग्जैक्टली जय गुरु जी क्लास, राहुल बोल रहा हूँ। विजय सर की रेमेडीज में बहुत अच्छी स्पेशलाइजेशन और पकड़ है, और गुरु जी की ब्लेसिंग से, संदीप सर की ब्लेसिंग से, गुरु जी की ब्लेसिंग से विजय सर और हम मिलके ये कोर्स लेकर 19 जून सैटरडे को, ये 5 दिन का कोर्स रहेगा। इस कोर्स के अंदर आपकी लाइफ से रिलेटेड, मतलब आपकी लाइफ में आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, आप एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, आप कॉमन मैन है, आपको कॉन्शियस आती है या नहीं आती इससे कोई मैटर नहीं है, पर एक्जैक्टली आप लोगों को, सब लोगों को किसी ना किसी फील्ड में, किसी ना किसी जगह पर आपको इश्यूज आते हैं, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, चाहे वो किड्स हो, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो आपकी लव एंड लाइफ हो, चाहे वो मैरिड लाइफ हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी प्रॉपर्टीज हो, लीगल हो, अभी बहुत से रिलेशन हो, बिजनेस रिलेशन, जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, हर आदमी के हर पहलू में कहीं ना कहीं छोटी छोटी इश्यूज आते रहते हैं। इन सब का समाधान है क्या? बहुत छोटे छोटे समाधान है, आपके घर के अंदर ही समाधान, वो ऐसे समाधान और इसको आपको बहुत डिटेल से हम सिखाने वाले हैं। मजे की बात आप ये देखो कि यहाँ प्रॉपर आपको 5 दिन दिए जाएंगे और वहां पे आपको पूरी गाइडेंस दी जाएगी। पर्पस यही है कि इन रेमेडीज को आप सीख के लाइफ में कैसे अपने साथ लक एनहांस कर सकते हैं। जी राहुल भाई, बिल्कुल सर, जैसे कि गुरुजी ने बताया, आप अपना लक एनहांस करें या अपनी लाइफ को और स्मूथ करें और बेटरमेंट में करें, तो वो चीज है क्या एक्जैक्टली? जैसे अभी सर ने 2 रेमेडीज दी लव एंड रिलेशनशिप्स पे और मैरिज के ऊपर, दैट रेमेडीज अगर आप ढंग से नोट की हो तो आपको एक चीज देखना पड़ेगा कि देखिए उसके अंदर कुछ भी नहीं था, दैट वाज अ लेस एक्सपेंसिव, मतलब कुछ खर्चा नहीं था उसके अंदर। 5 अगर हल्दी गांठ लेनी है, दैट्स अ पीस ऑफ 5 लेते हैं अपने टर्मरिक के, तो वो आते कितने के? 5 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए का। तो बेसिकली विजय सर की इस चीज में बहुत बड़ी पकड़ है कि वो आपको लेस एक्सपेंसिव की बढ़िया बढ़िया रेमेडीज दे सकते हैं और आपको डिटेल में समझाया जाएगा 5 दिन के अंदर, कंप्लीट उसका स्टडी मटेरियल, वीडियो रिकॉर्डिंग्स और सर्टिफिकेशन भी दिया जाएगा बाय ब्लेसिंग ऑफ गुरुजी। मैं आप सबको एक चीज और बता दूं, अगर आपको ऑकल्ट साइंस नहीं आती तो भी कोई दिक्कत नहीं, आती है तो भी बहुत बढ़िया है, तो आपकी रेमेडीज आप अपने क्लाइंट्स को फॉरवर्ड कर सकते हो। आप न्यूमरोलॉजिस्ट हो तो भी आप अपने क्लाइंट्स को फॉरवर्ड कर सकते हो, आप एस्ट्रोलॉजिस्ट हो तो भी कर सकते हो, अगर आप लोगों को ये कोई विद्या नहीं आती है तो भी चलेगा। आपको सिंपल वे में सर आपको टाइमिंग के साथ वो रेमेडीज के प्रॉपर नोट्स बनवाएंगे, प्रॉपर चीजें मिलेगी कि कैसे उसको यूज करना है और किस टाइम पे किस चीज को कैसे यूज किया जाए, तो उससे बेटर बेटर तरीके से आपको समझा जाएगा और बेटर रिजल्ट कैसे निकालना है वो भी समझा जाएगा। एक चीज और विजय दुबे जी के बारे में आपको बताता हूँ, ये रेमेडी स्पेशलिस्ट है और इनका अपने अपने रेमेडी क्षेत्र के अंदर अपना बहुत बड़ा नाम है, दिल्ली के अंदर इनका अपना आप में एक बहुत बड़ा नाम है। ये एस्ट्रोलॉजिस्ट को भी पढ़ाते हैं और अब इन्होंने एक्चुअली संदीप सर की रिक्वेस्ट पे, संदीप सर की एक्चुअली क्या हो तो रिक्वेस्ट बोलो और संदीप सर का ऑर्डर बोलो, जो हमारे गुरु जी है संदीप सर, उनके आदेश पे हम लोगों ने उनकी ब्लेसिंग्स के थ्रू ये कोर्स लाने के पीछे एक ही रीजन ये था कि जो ये ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक के बीच में जो पर्सनल रिलेशन, बहुत से रिलेशन या अपने बिजनेस में हैम्पर्स और
घर बच्चों को गैजेट्स, बच्चों की स्टडीज, बच्चों की जो हैम्पर हो रही, अब इसको कैसे सुधारा जाए, अब कम टाइम में इस चीज को वापस कैसे उस लाइफ को वापस स्मूथ लेवल पे लेकर आए, उसके लिए ये कोर्स आ रहा है 19th को और बहुत कम फीस में आ रहा है। एग्जैक्टली कोर्स की फीस है 6666 पर अभी ये डिस्काउंटेड रेट पे 50% 3333 पे। ये संदीप सर ने आप लोगों के लिए डिस्काउंट दिया है। सर इसका पोस्टर प्लीज ऑन कर दीजिए ना। ऑन है डियर, ऑन है, दिखाई नहीं दे रहा। नहीं सर, आप एक्चुअली पोस्टर पे डबल क्लिक कर दीजिए। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। आप दिखाई दे रहा है? नहीं सर, शेयर स्क्रीन नहीं आ रही। बिल्कुल, मैं ग्रुप में भी डलवा दूंगा पोस्टर सर। और मैं यही कह रहा था कि इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है राहुल भाई? हाँ सर, इस राइट में। और इस कोर्स के अंदर एक बहुत अच्छी चीज हमने जो जोड़ी है, जो विजय सर की बहुत बड़ी खासियत है, ये गोमती चक्रा के स्पेशलिस्ट है। गोमती चक्रा आपने बड़े बड़े फिल्म स्टार्स के हाथों में देखा होगा, बड़े बड़े लोगों के हाथों में गोमती चक्रा देखा होगा, गले में देखा होगा, आपने पूजाओं में गोमती चक्र यूज किया होगा। विजय दुबे सर गोमती चक्रा के स्पेशलिस्ट है, उसकी स्पेशल रेमेडीज वो आपको इस कोर्स में सिखाई जाएंगी। राइट विजय सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप कोई आपने बोल दिया तो बिल्कुल सिखाएंगे सर, आपने और सर का आशीर्वाद है, बिल्कुल बिल्कुल सिखाएंगे। और ये जो गोमती चक्रा की रेमेडीज है, ये बिल्कुल सही कहा राहुल जी ने कि बहुत सारे फिल्म स्टार, यहाँ तक कि पॉलिटिशियन पीपल्स, आप लोगों को पता भी नहीं है, वो लोग यूज करते हैं और मार्वलस रिजल्ट है उनके उनके। जी विजय सर, एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आज जिन भी बच्चों का जैसे भी सवाल आए, मोस्टली लवल रिलेशनशिप पे आएंगे, पर फिर भी अगर कोई मैरिज वगैरह आ जाए तो प्लीज आप हेल्प आउट कीजिए। नहीं, ये दो रेमेडीज से रिलेटेड सब क्लियर है, आगे चले। कोई नहीं, कोई नहीं, आप आगे चलो। ये क्या ना, ठीक है, वो और चीजें भी समझेंगे, अब आप आगे चलो, बाद में बात करेंगे। सबसे अगली रेमेडी एक बड़ी सिंपल रेमेडीज है रिलेशनशिप को लेके, लोग उसको, कई लोग ये कह के डरा देते हैं वशीकरण। अरे वशीकरण का मतलब क्या होता है? वशीकरण का मतलब ये नहीं होता, तंत्र तंत्र नहीं होता वशीकरण का मतलब। वशीकरण का मतलब होता है कि आपके रिलेशन किसी से अच्छे हो, वो आपके लिए बेटर हो, ठीक है ना। वशीकरण का मतलब ये है कि आपके लिए वो बेटर हो, आपके साथ बेटर तरीके से पेश आए, आपके साथ अच्छा रहे, रिलेशनशिप हो या यारी दोस्ती कोई भी हो, तो उसको वशीकरण कहते हैं। कई लोग वशीकरण कहके डरा देते हैं कि वी कैन डू अ वशीकरण। भाई वशीकरण तो यार तंत्र क्रिया होगी, लोग डरते हैं। नहीं, एक छोटा सा आज एक वशीकरण का टोटका आपको बता रहा हूं, ठीक है, आप इसको लिख लें। शनिवार को आपने सैटरडे 7 साबुत लौंग की कलियां, साबुत लौंग समझते हैं ना, लौंग जो हम लोग माँ काली को भी चढ़ाते हैं, पूजा पाठ में यूज करते हैं, वो साबुत लेनी है। अब साबुत और अखंडित में फर्क क्या होता है? साबुत और अखंडित का मतलब हुआ, कई बार खंडित लोग ये समझते हैं कि टूटी हुई, नहीं, अखंडित उसके ऊपर का अगर फूल भी निकला हुआ है, लौंग के ऊपर एक फूल लगा होता है, आपने देखा होगा गोल सा, वो भी अगर निकला हुआ है तो वो भी खंडित होती है। दुकानदार ऐसी देता है, कई बार हम लोग चेक नहीं करते हैं, वो पूजा में कभी नहीं चढ़ानी चाहिए, अच्छा नहीं होता उसका रिजल्ट। आपने साबुत लौंग 7 पूजा वाले की दुकान से लेनी है, 7 तो देगा नहीं, आप थोड़ी सी 10 रुपए की ले लें उससे, उसमें से साबुत 7 निकाल लें आप, ठीक है, और कहना बढ़िया लेना, चाहे 10 की 20 रुपए ले लें। 7 साबुत सैटरडे को लेके आना है, स्पेशली शनिवार को, ध्यान रखना, दिन में लाना है, रात को नहीं, मतलब कि 12 से 5 के बीच में खरीदारी करनी है आपने इसकी। आपने इसको लेके आना है, लेके आने के बाद आपने इसको अपने मंदिर में रख देना है, साफ सुथरी जगह मंदिर के अंदर रख देना है संडे को। हाँ, साबुत, साबुत का मतलब फूलों समेत हो, फूल ना हो, अखंडित ना हो, ठीक है, खंडित ना हो, कहने का मतलब साबुत ही हो गया। आपने पूजा घर में उसको रखना है। संडे को आपने वस्त्र धारण करने हैं, साफ सुथरे नहा धो के लाल वस्त्र धारण करें। 12 बजे ठीक संडे को आपने 12 बजे, जिसके लिए मैं टाइम बोलता हूं उस टाइम को नोट कर लेना आप, और जिसके लिए मैं टाइम नहीं बोलता इट मींस वो दिन में कभी भी हो सकती है। 12 बजे ठीक एक आपने लौंग लेनी है, एक लौंग लेनी है, ठीक है,
उस लॉन्ग को आपने लेके जिस पर्सन के लिए आप चोटना, जैसे आपके हस्बैंड है हस्बैंड के लिए, वाइफ है वाइफ के लिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, रिलेशनशिप का कोई इशू है उसके लिए, कि आपकी तरफ वो ज्यादा अट्रैक्ट हो, जल्दी अट्रैक्ट हो, ठीक है, और आपकी बाउंडिंग बनी रहे। एक लॉन्ग आपने लेनी है, एक लॉन्ग पकड़ के आपने 21 बार ऐसे, ठीक है, उल्टे हाथ में रखना है आपने लॉन्ग को, ऐसे रखना है उल्टे हाथ में ऐसे करके, और सीधे हाथ से ऐसे करना है, ये मेरा देख लेना प्रोसेस, ठीक है, ऐसे आपने रखना है लॉन्ग को, ऊपर से ऐसे रखना है, और 21 बार उस पर्सन का नाम बोलना है जिसके लिए आप ये क्रिया कर रहे हैं, क्रिया का मतलब जिसके लिए ये रिचुअल कर रहे हैं, रिचुअल मतलब जिसके लिए ये उपाय कर रहे हैं, ठीक है। 21 बार बोलने के बाद आपने इसको घर के बीचों बीच जला देना है, घर के बीचों बीच नहीं जला पाए कोई इशू नहीं है, मंदिर में जला दें आप, कोई दिक्कत नहीं। ये 7 संडे करने हैं आपने, 7 संडे लगातार, आप इसके रिजल्ट्स देखेंगे, बिल्कुल छोटी सी रेमेडीज है, ठीक है, बिल्कुल कुछ नहीं है इसमें, क्या खर्चा है, 10 रुपए का खर्चा नहीं है, पर ये रेमेडीज कामगर है। तो ऐसी बहुत सारी रेमेडीज हैं जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, जो मैं आपको 19 वाली वर्कशॉप में दूंगा, सब चीजों के लिए बहुत बेटर बेटर। और एक चीज और आज आपको मैं बताना चाहूंगा, लोग रेमेडीज तो करा देते हैं, बिल्कुल रिपीट करूंगा अनु जी, बिल्कुल रिपीट करूंगा, रेमेडीज तो लोग करा देते हैं, पर कई चीज ऐसी होती है, जैसे कि राहुल भाई ने हमारे बोला कि भाई गोमती चक्रा की रेमेडी देनी है, संदीप बजाज सर ने भी बोला बिल्कुल कराएंगे सर गोमती चक्रा, सर कई लोग ऐसे दे देते हैं बट एनर्जाइज करना नहीं सिखाते, क्योंकि एनर्जाइज करना सिखा देंगे तो फिर कैसे होगा, उनके पास दोबारा कौन आएगा। तो लॉन्ग वाली मैं आपको दोबारा बताना चाह रहा हूं, आप दोबारा ध्यान दें लॉन्ग की, शनिवार को लॉन्ग खरीद के लानी है, 7 लॉन्ग आपको लाना है, चाहे आप ज्यादा ले आए उसमें से 7 लॉन्ग निकाल लें सैटरडे को, साफ सुथरी पूरी बिना खंडित बिना टूटी हुई फूल वाली फूल समेत, उसको करने के बाद आपने मंदिर में रख देना है सैटरडे को, दिन में लानी है 12 से 5 के बीच में आपने, और संडे को सुबह नहा धो के आपने एक लॉन्ग लेनी है, एक लॉन्ग लेने के बाद अपने उल्टे हाथ पे ऐसे लॉन्ग को रखना है आपने, ठीक है, आपकी लॉन्ग का मुंह मेरे हाथ उंगलियों की तरफ हो, लॉन्ग का मुंह ऊपर का हिस्सा उंगलियों की तरफ हो, ऐसे आपने रख देनी है, और ऐसे दूसरे हाथ को लेफ्ट हैंड को ऐसे रख के 21 बार उस पर्सन का नाम लेना है कि आपके और उसके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, आप लोग एक दूसरे के साथ हैं, आप लोग एक दूसरे को समझते हैं, ऐसा 108 बार बोलना है। बोलने के बाद आपने संडे के लिए, संडे वाले दिन ही 12 बजे इसको बंद कर देना है, चाहे वो आप घर के बीचों बीच कर दें कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर के बीचों बीच अगर जगह नहीं है तो आप अपने मंदिर में भी बंद कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये रेमेडीज आप करें, 1 लॉन्ग पर संडे, 7 लॉन्ग 7 संडे, 1 लॉन्ग 1 दिन, 7 संडे 7 लॉन्ग, ठीक है। और कुछ आप पूछना चाहेंगे? जी बजाज सर। जी डियर, जी डियर, जी प्रशांत जी, जय गुरु जी, जी जी प्रशांत जी, गुरु जी मुझे जी जी बोलिए बोलिए। हेलो, हाँ जी हाँ जी, राधे राधे, मुझे आपके बारे में कुछ पूछना है। राधे राधे बोलिए प्रभु, बोलिए बोलिए बताइए। मुझे ये पूछना है, मेरा अभी डाइवोर्स चल रहा है, मेरा अभी डाइवोर्स चल रहा है, और डाइवोर्स में वो लड़की मुझे बहुत दुखी कर रही है, तो अब कैसे डाइवोर्स हो आप मुझे बताएंगे कि और की आगे मेरी शादी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। जी विजय भाई, सर इसके लिए तो देखिए आज का मैं ये इसके लिए आज के लिए तो सॉरी बोलना चाहूंगा, आज का जो हमारा मेन प्रोसेस है वो सर रेमेडीज के ऊपर, वो भी रिलेशनशिप पे है। इसके लिए आप सर हमारी 19 की वर्कशॉप ज्वाइन करें, उसके अंदर A to Z कोई ऐसी रेमेडीज नहीं छूटेगी जो उसको करने के बाद आपको कहीं और जाना पड़े। प्रशांत भाई मेन चीज क्या है, इसकी हमने बहुत कम फीस रखी है, क्योंकि पहली बारी विजय दुबे जी हमारे प्लेटफॉर्म पे आए हैं, तो इसकी फीस हमने रखी है मात्र 3,333। आप इसको ज्वाइन करो, 5 दिन का कोर्स है, आपको इसमें बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। टाइम रहेगा जी, तीन से पूछना चाहता। जी जी बोलिए बोलिए। हम मैं एक अपने वो ये खोलूं,
मैं सर ये पूछना चाह रहा था, वीडियो खोलोगे तो और वो तकलीफ आएगी, आपकी आवाज कट रही है। हाँ जी बताओ, आपकी पूरी आवाज हमें आ रही है। मैं ये आ रही है ना बिल्कुल सर, हाँ, मैं ये जानना चाह रहा था उस लड़की से छुटकारा कैसे मिले। हम उसके माँ बाप को फोन करते हैं, भाई आपने जब नोटिस दे रखा है तो आप फिर पुलिस फाइनल करो, तो भाई जो आपकी डिमांड है वो करो, तो आप कोई ऐसा छोटा सा उपाय बता दीजिए जिससे वो एकदम आपको नोटिस भेज दिया है। मगर उनकी डिमांड ये है 5.5 लाख रुपए, उसकी डिमांड पूरी करनी है। अब वो छुटकारा कैसे मिले आप ये बताइए। अगर छुटकारा नहीं देंगे तो मेरी दूसरी शादी नहीं होगी, आगे का मेरा जो दूसरा जीवन है वो डिस्टर्ब रहेगा, तो उस औरत से कैसे छुटकारा मिले। और वो लड़की सही है तो नहीं, बिल्कुल मुझे प्रशांत भाई वही कह रहे हैं कि प्रॉपर, क्योंकि वो लड़की मुझे टॉर्चर करती है। प्रशांत भाई वही कह रहे हैं कि उसके लिए प्रॉपर वर्किंग करनी पड़ेगी। ये काम इतना आसान नहीं है कि आपने बोला छुटकारा हो गया, उसके लिए प्रॉपर वर्किंग करनी पड़ेगी। आप क्लास में आओ, क्लास में वो आपको वही सिखाने वाले हैं। अच्छा, सर जो आपको बोल रहे हैं आप उस चीज को थोड़ा सा समझें, क्योंकि चीजें क्या है, रेमेडीज जो आप पूछना चाह रहे हैं वो रेमेडीज लंबी है, वो उसको बताने में करने में आपको समझाने में टाइम लगेगा। दूसरा आप उस चीज को सीख लेना, वो आपको आगे काम भी आएगी, किसी को दे भी सकते हैं वो, तो आप उसके लिए क्लास ज्वाइन कर लें तो आपके लिए बेटर रहेगा सर। क्योंकि टाइम इसमें कम होता है, अभी बहुत सारे लोग क्वेश्चन लेने हैं, हमें सबको उसको आगे समझाना भी है। जय मैम, जय गुरु जी। जय गुरु जी सर जी। मैम जी सर, रेमेडी प्रॉपर्टी का बताएंगे क्या सर, तो मैं बात करूं नहीं तो समय खराब करने से। नहीं मैम, आज जो है वो सिर्फ लव रिलेशनशिप के ऊपर ही प्रॉपर्टी उसके ऊपर है। अच्छा, अभी हमारे बीच में और वर्कशॉप होंगे तो उसको भी करवाएंगे हम। वामिका मैम जय गुरु जी। जय गुरु जी सिर्फ रिलेशनशिप का शादी वादी का ही बता रहा रेमेडी। आज सिर्फ रिलेशनशिप के ऊपर ही है मैम जी। वामिका मैम जय गुरु जी सर। जय गुरु जी मैम। सर ये जो रेमेडी बता रहे हैं ये पीरियड्स अगर करो हम लेके। जी 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 इसके लिए आप ऐसा करें, अगर ऐसा किसी भी माता बहन को थोड़ा सा हर महीने की जो प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको ब्रेक कर दें, कोई इशू नहीं है। अगले बार से अगले संडे को फ्राइडे से स्टार्ट कर सकती है या जो भी उसका दिन है, कोई दिक्कत वाली बात। सुशी कह रहे कि आवाज कट गई थी, कह रहे हैं कि ऐसी कोई टेंशन नहीं है, आप ब्रेक ले सकते हैं उसके अंदर, कह रहे हैं। ओके सर, उसकी टाइमिंग क्या रहेगी? हेलो, टाइमिंग क्या रहेगी सर कोर्स की? कोर्स की टाइमिंग रहेगी 3-4-5 days। टाइमिंग रहेगी 3-4-5 days कोर्स चलेगा मैम, और एक स्पेशल 1 घंटा देंगे सैटरडे को। 5 दिन का कोर्स है, चलेगा 6 दिन, 3-4 class चलेगी, 1 दिन स्पेशल आपके क्वेश्चन आंसर के लिए दिया जाएगा सैटरडे के लिए। जी सुशील भाई, जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। जी सर, मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था सर। मेरे एक फ्रेंड है तो उसके ना हस्बैंड वाइफ में बनती नहीं है, दोनों रहते हैं सर एक ही घर में। ओके जी। और दोनों के बच्चे हैं, बड़े बड़े हैं, बट हस्बैंड है ना अपनी वाइफ को देखना नहीं चाहता है, और हस्बैंड के मतलब बहन जो बोलती है ना वही वो करता है, तो उसकी वाइफ से जरा भी नहीं पटती है। ओके। तो सर क्या करने का इसके लिए? इसके लिए आपको जो अभी रेमेडीज बताई है ये रेमेडीज करें, और अभी एक रेमेडी जो मैं देने वाला हूँ वो साथ में और जरूर करें, ठीक है जी? जो रेमेडीज नहीं, जो रेमेडीज आपको 3 बताई हैं वो करवाएं उनसे, और एक रेमेडी और बताने वाला हूँ, है रेमेडी बड़ी सिंपल एंड सोबर, बड़ी इफेक्टिव है, वो रेमेडी साथ में करें। ओके जी। मनोज भाई जय गुरु जी। हेलो जी मनोज जी। हाँ गुरु जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम गुरु जी। ये जो आप बता रहे हैं तो मैं भी ये क्वेश्चन, मेरी भी है ना तो ब्रदर इन लॉ है, और तो उनके भी वाइफ से क्या उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं, उनका 3-6 का कॉम्बिनेशन है एक्चुअली, हस्बैंड का 6 है और वाइफ का 3 है।
तो एक ही घर में रहते हैं लेकिन वो ये कि उनमें खटपट 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 चलती रहती है, वो ये प्रॉब्लम। जी विजय भाई। सर आप जो रेमेडीज अभी तीन दी हैं उसमें से कोई भी रेमेडीज आप करवाएं, पर दूध वाली और जो वो वाली है वो इनसे दोनों करवाएं, बेशक तीसरी वाली ना करवाएं पर दो रेमेडीज इनसे जरूर करवाएं। सर वो हल्दी वाली एक बार दोबारा रिपीट कर दें, एक्चुअली मैं थोड़ा सा लेट आया था उसके लिए क्षमा मांगता हूं। आपको मैं अभी लास्ट में जाने से पहले रिपीट कर दूंगा एक बार, ठीक है जी? संदीप सर के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा सर दोबारा से ये सब, सब रिकॉर्डिंग हो रही है, जिसका भी रह गया है सबको मिल जाएगा थोड़ी देर में, करीब करीब 6:30-7 बजे के आसपास हमारी YouTube पे आप देख सकते हैं। Vivo 69, Vivo 1609, अनु मैम जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। जी अनु मैम। सर मैं एक दो मेरे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। ये जो सर ने लॉन्ग का बताया था तो लॉन्ग लेफ्ट हैंड पे रखना है और उसके ऊपर राइट हैंड प्लेस करना है जी। और लॉन्ग का जो मुंह है फूल ये देखिए जी, फूल फिंगर्स पे आएगा। फूल का जो मुंह है ना लॉन्ग का मुंह आप फिंगर की तरफ रहे ऐसे, जब आप रखेंगे ना तो फिंगर की तरफ। ठीक है। और इसको क्या 12 बजे इसको जलाना है तो पूजा कब करनी है, मतलब नाम कब लेना है? 12 से पहले ले और 12 बजे जला दें इसको आप। ठीक 12 बजे तो ये है टू अट्रैक्ट योर स्पाउस, टू अट्रैक्ट योर स्पाउस। जी जी जी। और ये जो हल्दी की गांठ वाला था तो इसमें गांठे भी मारनी है क्या कपड़े में, हल्दी रख के हल्दी की गांठ? कपड़े में गांठ मार दो आप, पोटली में गांठ बांध के बेशक रख दो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी आप बंद करके वैसे भी रख देंगे कोई दिक्कत नहीं, पर गांठ मार के रख दे ज्यादा बेटर। एक सिंगल गांठ जी, जी सिंगल गांठ बांध। और उसको फेंकना कब है? आप बोल रहे थे ना कि सड़ जाएगी तो फेंक देना। उसको आप रखे रखे इतनी जल्दी नहीं सड़ती है। अच्छा। जब सड़ेगी तो आप 43 डेज बाद उसको चेक करें, 43 डेज से पहले खोले नहीं उसको आप। जी 43 डेज के बाद शो करना है या तभी भी चलते रहने देना है? 43 डेज के बाद चेक करें और उसको उठा के हटा दें और दोबारा कर लें बेशक, और जैसे रेगुलर भी करेंगे आपके रिलेशनशिप स्मूथ रहेंगे। ठीक है। रिपीट आफ्टर 43 डेज। हाँ यस आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं जी। वही चलते रहने, वही चलते रहने तो सड़ती तो है नहीं। अगर वो खराब नहीं हुई है तो आप उसे चलने दो, कोई दिक्कत। ठीक है सर, थैंक यू। राजेश जी जय गुरुजी। जय गुरुजी। गुरुजी को प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम। गुरुजी ये पूछना था कि ये जूम पर क्लास होगी? जूम पे सर, जूम पर। ये रिकॉर्डिंग भी मिलेगी क्लासेस की? सर अभी तक सोचा नहीं है, इसके बारे में डिसीजन अभी लिया जाएगा। नहीं सर, बकायदा रिकॉर्डिंग दी जाएगी, सर्टिफिकेशन मिलेगा और नोट्स भी देंगे। और गुरु जी इसका कोई नोट्स वगैरह भी होगा क्या, स्टडी मटेरियल? नहीं, यू नोट्स बनवाए जाएंगे आपके साथ। अच्छा अच्छा, स्टडी मटेरियल इसमें मिलेगा? हाँ जी। ठीक है गुरु जी, आप मुझसे संपर्क कर लीजिएगा। जी जी, आपको पूरी डिटेल दे दूंगा। ठीक है गुरु जी, ठीक है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गैलेक्सी J2। हेलो जी मैम। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जय गुरु जी। हाँ जी जय गुरु जी। शादी से रिलेटेड कोई रेमेडी है आपके पास? शादी नहीं हो पा रही इसके लिए कह रहे हैं आप? हाँ जी हाँ जी। बताओ विजय जी, शादी नहीं हो पा रही उसके लिए? शादी नहीं हो पा रही तो ठीक है, एक रेमेडी सर दे देते हैं, ये सबके काम आ जाएगी, कोई बात नहीं। सब नोट करो जी, सब नोट करो, कर लो नोट। वैसे तो चलो उसपे कोर्स में तो और कराएंगे, और भी रेमेडीज है शादी के लिए, पर एक रेमेडी मैं आपको दे रहा हूँ। जिनकी शादी में प्रॉब्लम आ रही है या जिनकी शादी नहीं हो रही, ये दोनों में यूज कर सकते हो, लिख लेना। ठीक है, आपने करना है क्या है, आपने 1.25 मीटर पीला कपड़ा लेना है। ठीक है जी, गुरुवार वाले दिन 1.25 मीटर कपड़ा, 7 गोमती चक्रा, 7 लघु नारियल, 7 हल्दी की गांठे। ठीक है जी, लिख लिया आप लोगों ने जी। उसके बाद वीरवार वाले दिन आपने पीले कपड़े धारण करने हैं। पीले कपड़े का मतलब चाहे नीचे आपने कुछ भी पहन रखा हो, अपर पोर्शन में बार बार कहता हूं, हमारी जो नाभि तक का एरिया पवित्र मानते हैं, तो ऊपर वाले एरिया में पीले रंग के कपड़े डालें, टी शर्ट शर्ट साड़ी, लेडीज है साड़ी डालें, पुरुष शर्ट डाल लें, टी शर्ट डाल लें। ठीक है, पर नीचे ब्लैक ना पहने कुछ भी, मीन्स पैंट जींस वगैरह ना पहने, आराम से व्हाइट कुछ भी डाल लें। ठीक है, आपने करना है कि ये सामान लेने के बाद
थोड़ी सी हल्दी भी लेनी है। हल्दी लेने के बाद इन सब सामान पे आपने गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करने के बाद सब पे तिलक करना है और आपने लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में जाना है जिनकी शादी नहीं हो रही है और जिनको शादी में प्रॉब्लम है वो भी कोई दिक्कत नहीं है। लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में जाना है, पोटली को वहीं पे आपने सारा सामान खोल के रखना है, उनके सामने ही एक एक सामान रख के जो भी आपकी विश है शादी को लेके वो लक्ष्मी नारायण जी को बोले, ठीक है। साथ में दो पीली फूल मालाएं और पीले दो लड्डू भी लेके जाने हैं, ये सारा सामान लिख लेना, ओके। उसके बाद आपने करना क्या है, सारा सामान वही रखना है, एक एक करके सब पे तिलक करना है जो भी आपकी विश है। और अनम्यूट करो, अनम्यूट, आप म्यूट हो गए हो, अनम्यूट करो अपने आप को। जो जो 1.25 मीटर कपड़ा है उस कपड़े पे एक एक सामान आपने डालना है और अपनी विश बोलते हुए जाना है, ठीक है। सामान मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा लिख लीजिए, 1.25 मीटर पीला कपड़ा, ठीक है जी, 7 हल्दी की गांठे, 7 गोमती चक्र बड़े वाले, 7 लघु नारियल, लघु नारियल छोटे नारियल होते हैं, ध्यान रखना होते नारियल की तरह, इसलिए लघु कहा जाता है कि वो छोटे होते हैं। हल्दी लेनी है, एक हल्दी पैकेट छोटा सा, हल्दी थोड़ी सी ताजी हल्दी ले लें नई, ठीक है जी। और 2 पीली फूल मालाएं और 2 लड्डू पीले, पीले 2 लड्डू का इसलिए कहना चाह रहा हूँ कई लोग बड़े कंजूस होते हैं 2 ही ले जाते हैं, तो भाई 2 तो ले ही जाना कम से कम, चाहे ज्यादा ले जाओ, भगवान के पास जा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी इच्छा है, 2 लेके जाने। उसके बाद आपने लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में जाना है, पीले कपड़े को आपने खोलना है, सामने स्टेबल करना है, ठीक है। लक्ष्मी नारायण जी से रिक्वेस्ट करनी है, पीली फूल मालाएं चढ़ानी है उनको, लड्डू का भोग लगाना है, सारा सामान एक एक करके रखना है और तिलक करना है हल्दी से और पीले ही धागे से उसको पोटली को बांधना है, बाबा के चरणों को लगाना है और जो रिक्वेस्ट है शादी को लेके वो करके अपने घर वाले मंदिर में आना है, बिना रोके टोके, बिना रोके टोके ये काम करना है, बिना बोले आपने किसी से बीच में रुकना नहीं है रास्ते में, जब वापसी आएंगे तो किसी से बात नहीं करेंगे, सीधा घर में और घर से अंदर कोई कुछ भी बोलता रहे आप जवाब नहीं देना, आप घर में आएंगे और अपने घर के मंदिर में इसे टाई करके बांध देंगे और रिक्वेस्ट करेंगे और रोज ये आप रिक्वेस्ट करेंगे अपनी शादी से रिलेटेड, तो आप देखिएगा जिनके रिश्ते नहीं आते हैं वो रिश्ते भी धीरे धीरे आने चालू हो जाएंगे। जी राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। ये सर ये तो आपका रामबाण इलाज था सर। हाँ ये रामबाण इलाज है, आपने यही दे दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इनकी तरकश में बहुत तीर है। हाँ सर है तो बहुत ही, पर ये मुझे मालूम है इनके किसी क्लाइंट को इन्होंने दिया था और ये उन्होंने चैलेंज करके दिया था, बोले ये रामबाण दे रहा हूँ कर लेना, अगर नहीं हो तो मेरे पास आके बोल देना, इसलिए मुझे याद है सर। अरे नहीं सर नहीं, अरे बिल्कुल सर, मैं क्लास को एक बार और रिमाइंड कराना चाहूंगा, 19 जून को सैटरडे को 3 बजे से क्लास चालू हो रही है, विजय सर आपको खुद क्लास लेंगे, 1 घंटा लाइव क्लास होगा, 3 से 4 क्लास, तो वैसे भी मुझे मालूम है 4 बजे खत्म नहीं करते, विजय जी भी संदीप सर की तरह खेसते ही आते हैं तो इसके अंदर आपको हेल्थ वेल्थ रिलेशन लीगल बिजनेस फैमिली किड्स किड्स मैरिज किड्स किड्स का प्रोफेशन सबके सबसे रिलेटेड आपको रेमेडीज दी जाएंगी। और सबसे बड़ी राहुल भाई सबसे बड़ी बात के आजकल बच्चे गैजेट्स में ज्यादा चिपके रहते हैं, उस गैजेट्स के लिए भी मैं एक ऐसी चीज दूंगा जो आप करेंगे तो बाकी फर्क मिलेगा आपको। बिल्कुल सर बिल्कुल, तो ये सब तरह की रेमेडीज मिलेगी, स्पेशली गोमती चक्रा पे, जो गोमती चक्रा के बारे में आप सब जानते ही होंगे, अगर आपको फिर भी देखना हो तो बड़े से बड़े स्टार चाहे अमिताभ बच्चन साहब को देख लो, चाहे आप बड़े बड़े मिनिस्टर्स को देख लेना, उनके हाथों में या गले में गोमती चक्रा के कुछ अंगूठियां या गले में लॉकेट्स पहने होते हैं उनके, ये सर बहुत बड़े स्पेशलिस्ट हैं, तो ये स्पेशली गोमती चक्रा की रेमेडी भी आपको मिलेगी इस क्लास में। और ये कोर्स की फीस जो हम लोगों ने रखी है इस बार पहली बार आप लोगों के लिए 3333 है, रीजन ये था इस क्लास को लाने के पीछे ड्यू टू पेंडेमिक आप लोगों को मैंने बहुत सारा ऐसा हम लोगों को मैसेज आया कि सर इस छोटी सी मैरिज की रेमेडी हो या बिजनेस ग्रोथ की रेमेडी हो या किड्स प्रोफेशन की कोई रेमेडी हो, तो यहाँ पेंडेमिक में जितने भी इश्यूज आप लोगों ने फेस किए होंगे घर बैठ के वो सब की सब रेमेडीज आपकी लाइफ के हर वैल्यू को देखते हुए बनाया गया है ये कोर्स। इस कोर्स को इसी तरीके डिजाइन किया है, विजय सर के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया, मैं दोबारा बता दूं ये एस्ट्रोलॉजिस्ट को ही पढ़ाते हैं
और संदीप सर के कहने पर ये आपके लोगों के लिए क्लासेस लेके आए हैं 3333 में, और मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा जिस भी पर्सन को इंटरेस्टेड हो वो आप लोग हमसे, मुझसे, विजय सर से, संदीप सर से, किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7715930333। विजय सर आपसे कोई कनेक्ट करना चाहे तो प्लीज आपका नंबर बता दीजिए एक बार। 7915। एक बार प्लीज दोबारा रिपीट कर दीजिए, दोबारा बोलिए। 7915। और आप हर तरीके के मोड ऑफ पेमेंट यूज कर सकते हैं, चाहे पेटीएम, गूगल पे, बैंक ट्रांसफर, आपको जो चाहिए जिस तरीके से आप पेमेंट करना चाहें पेमेंट हो जाएगा। और आप ये क्लास को ज्वाइन कीजिए और अपनी और अपनी फैमिलीज की लाइफ को, अपने नियर एडियर्स के, अपने पूरे परिवार की फैमिली को स्मूथ करने के लिए जो जो रेमेडीज आपको लगती हैं, जो 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 इश्यूज आ रहे हैं, शायद आपको बिजनेस का होगा और आपकी बेटे को पढ़ाई का होगा, या आपका छोटा बेटा गैजेट में फंसा होगा, तो वो सब रेमेडीज एक ही पोटली में बांध के विजय सर ले आए हैं, तो सब आपको यही मिल जाएगा। तो प्लीज ज्वाइन कीजिए और अपना और अपनी फैमिली का बेटरमेंट, मतलब स्मूथ लाइफ को स्मूथ कीजिए। जय गुरु जी, राधे राधे। सर विजय सर कंटिन्यू। जी जी विजय भाई, जी विजय भाई, जी सर। चलिए एक रेमेडी और देते हैं आप लोगों को, ठीक है, रिलेशनशिप से रिलेटेड है। मेरी जो भी रेमेडी आपको मैं दे रहा हूँ, अगर मैं स्पेशली बोलूंगा कि स्पेशली इस पर्सन के लिए है, तो जब वो स्पेशली होगी, वरना अगर मैं बोलता हूँ तो वो कोई भी रिलेशनशिप में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। करना क्या है आपने, सबसे ज्यादा आपको देखते हैं हस्बैंड वाइफ में ज्यादातर अनबन रहती है किसी चीज को लेकर, या गुस्सा ज्यादा रहता है, चीजें अप एंड डाउन रहती है, रिलेशनशिप खराब रहने चालू होते हैं कई बार, तो आप करें क्या, इसके लिए करना क्या है आपको कि थर्सडे को वीरवार वाला, वीरवार, गुरुवार, वीरवार, थर्सडे, कुछ भी कह सकते हैं आप, उस दिन आप प्याज का रस निकालेंगे। प्याज का रस निकाल लिया आपने, अपने हाथ से निकालना है, बाजार से खरीद के नहीं लाना, प्याज का रस निकालना है आपने। रस निकालने के बाद आपने रोटी बनानी है बड़े प्यार से, दिल से, अपने बड़े प्यार से दिल से रोटी बनानी है। रोटी बनाने के बाद उस प्याज के रस से, रस को इस उंगली से, ये उंगली देख रहे हैं आप मेरी, इस उंगली से, ये वाली, दिस वन, ये वाली उंगली से आपने प्याज के रस में डिप करना है और रोटी पे अपने हस्बैंड का नाम लिखना है, या आपका रिलेशनशिप है उसका नाम लिखना है। रिलेशनशिप कोई सा भी हो सकता है, जिसके लिए कर रहे हैं उसका नाम लिखना है, और वो रोटी आपने उसको खिला देनी। और ये करना किस दिन है, देखो हस्बैंड एंड वाइफ है वो तो घर में कभी भी कर लेंगे, बट रिलेशनशिप वाला है तो ध्यान रखना थोड़ा सा कि जब आपको उससे मिलने जाना हो तो ये करके लेके जाए और उसको खिला दे, किसी तरीके से भी खिलाना आपको है, आप खुद देखिएगा कि मिरेकुलस रिजल्ट मिलेंगे आपको इससे धीरे धीरे। और ये लगातार करे एटलीस्ट 9 थर्सडे, ठीक है। राधे राधे, गॉड ब्लेस यू, जय जय श्री राधे। जी गुप्ता साहब, जय गुरु जी। आर के गुप्ता जी, वीवो 1609। या गुड इवनिंग सर। जी गुप्ता साहब, बेसिकली सर मेरे को अपने सर इसी क्वेश्चन पर आपने जवाब दे दिया है, मेरा भी हस्बैंड टाइप का रिलेशंस को ही लेकर ही इशू थे, ओके, तो यहाँ तक मेरे को लगता है कि मेरे को मेरा जवाब मिल गया है। यदि इसके अलावा और भी कोई रेमेडीज हैं तो आप प्लीज मेरे को प्रोवाइड कर सकते हैं। बस डियर, लास्ट में एक रेमेडी देंगे आपके लिए, जो भी लोग हमारे साथ रुके हुए हैं उनको लास्ट में एक विजय भाई अपने ढंग से रेमेडी देंगे, बिकॉज हमारी क्लास 4:30 बजे तक चलेगी आज, तब तक जिनके क्वेश्चंस हैं हम उनके डाउट क्लियर कर सकते हैं, आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, और 4:30 पे हमारी क्लास खत्म हो जाएगी। जी बीना मैम, जय गुरु जी। बीना मैम, अर्चना मैम, जय गुरु जी। अर्चना मैम अनम्यूट करें अपने आप को। जी रिलेशनशिप में मैं ये पूछना है कि जैसे मान लीजिए कि बहुत ज्यादा रिलेशनशिप वाले लोग ज्यादा वो नहीं करते, चाहे वो कोई भी हो,
तो उनके लिए क्या कर सकते हैं, मतलब रिलेशनशिप, जैसे आई एम अ सिंगल लेडी, लेकिन बाकी रिलेशनशिप से अच्छा होना, सब रिलेशनशिप के लिए, मतलब अच्छा रिलेशनशिप हो, मतलब अच्छा हो, मेरी तो किसी से कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मन में हम सोचते हैं कि लोगों के बंदा रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, तो उसके लिए कोई शॉर्ट कोई ऐसी रेमेडी जो हो जाए, मतलब उनसे मिल भी नहीं रहे हैं ज्यादा, है ना, आप रोटी खिलाए ना उसको प्याज से, नहीं रोटी अगर हम नहीं मिल सकते ज्यादा, हाँ नहीं मिल सबसे ही सबसे नहीं, जैसे नहीं जा पा रहे हैं, नहीं जाते हैं कुछ, रोटी तो घर पे बनानी है आपने, अरे ये कह रहे हैं मान लो आप जैसे दिल्ली में हो, मैं लुधियाना में हूँ, मुझे आपसे दोस्ती यारी कायम रखनी है, ऐसी रेमेडी उसके लिए तो सर दूध वाली रेमेडी करवाओ, दूध वाली कौन सी, दूध वाली सेकंड रेमेडी, मैडम शुरू शुरू में बताई थी उन्होंने आपको, नेटवर्क नहीं वर्क कर रहा था, कोई बात नहीं मैम, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं पूरी की रिकॉर्डिंग, हाँ जी मैम पूरी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे, ठीक है, और अपने रिलेशनशिप कैसे अच्छी कर सकते, मेरा एक ये भी क्वेश्चन है अपने से, भाई जो ये मेरी एज है उसमें मुझे खुद से अपने को रिलेशनशिप अच्छी रखनी, अपने अंदर अपना रिलेशनशिप, अपने आप को जितना केयर कर सकते हो मैम करें, सारी बात एक ही आती है, देखो आप अपने लिए कुछ भी करोगे वो आपके अपने लिए, अपना गॉड खुद और ईश्वर से मिलने के, मतलब जी जी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि लोग ना आजकल अपने आप से रूठे हुए हैं, जो हम देखते हैं इतनी ज्यादा सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ गई है, एंग्जाइटी डिप्रेशन बढ़ गया, क्योंकि उन्होंने अपने आप से प्यार करना, ऐसा मुझे कुछ नहीं है, लेकिन नहीं, आप समझ नहीं रहे, मैं लोगों को बता रहा हूँ कि लोग अपने आप से रूठ गए हैं, लोग अपने आप से खुश रहे तो इससे अच्छी चीज हो नहीं सकती है, क्योंकि जितना आप अपने आप से प्यार करोगे उतना आप लाइफ में देने वाले बनोगे, उसका एक ही तरीका है, बी अ गिवर इन लाइफ, आप रोज सुबह जाओ चींटियों की सेवा करो, आपका मन बहुत खुश होगा, इसके साथ साथ आप गौ माता की सेवा करो, रोज उनको आलू खिलाओ, ये आपकी अपनी मन की खुशी की रेमेडी बता रहा हूं मैं, हो सके तो लाइफ के अंदर रोज डॉग्स को खाना खिलाओ, जितना आप इन तीनों की सेवा करेंगे आपकी लाइफ में आशीर्वाद 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 आता रहेगा, जी प्रीति मैम, जय श्री कृष्णा सर, आपने जैसे बोला सर, आपने ये बोला कि जो हमारे घर में रहते हैं हस्बैंड वगैरह या फैमिली जी, उनको जी, तो हम कभी भी ये दे सकते हैं, लेकिन अगर कोई जैसे आपने बोला किसी का रिलेशनशिप हो, जब उससे मिलने जाए तब ये रोटी बना के ले जाए उसको खिलाएं, राइट, बट आपने ये भी कहा कि ये जो रस है ये थर्सडे को निकालना है, तो इसको निकाल के हम स्टोर कर सकते हैं या क्या, नहीं थर्सडे को ही काम करना है, जाओगे मिलने तो ऑब्वियसली आप टाइम तो आपका ही होगा या उसका होगा मिलने का ना, तो थर्सडे का प्रोग्राम बनाए आप मिलने का, तो थर्सडे को ही करें, स्टोर नहीं करना, कोई चीज स्टोर करोगे तो वो खराब है, स्टोर खराब, वही बस मेरा यही डाउट था, वो जब भी काम करती है फ्रेश, ठीक है, थैंक यू सो मच, जी एक क्वेश्चन आ रहा था कि जली हुई राख का क्या करना है, जो जो लौंग थी उस जली हुई राख को जब लौंग जल जाए ठंडी हो जाए पूर्ण हो जाए संपूर्ण हो जाए उसको आपने उठाना है और बाहर किसी भी पौधे में डालना है ना, तुलसी में मत डालना, तुलसी और केले में मत डालना, बाकी किसी पौधे में डाल दो या फ्लश कर दो, जो आपको ठीक लगे वो कर दो, कोई दिक्कत नहीं, राधे राधे। अनुपम मैम, जय गुरु जी, अनुपम मैम, जय गुरु जी, जय गुरु जी, बस मेरा तो वही सवाल है, क्या नाम है पंडित जी, मैं हमारा एक घर बनना शुरू होना अभी मंगलवार से, घर के लिए मैडम आप क्लॉक कोर्स ज्वाइन करें, उसी में आपको बताया जाएगा, नहीं मैं ये पूछ रही हूँ कि वो हमें एक्चुअल हम जिस घर में रह रहे हैं वो हमने सेल कर दिया, उनको हमें सितंबर तक पोजीशन देना है, ठीक है, तो मतलब तब तक कम्प्लीट हो जाए, मतलब इतना कि मंगलवार से अभी हम काम शुरू करवा रहे हैं, जी जी ठीक है, तो उसका ये है कि उन्हें हमें 15 सितंबर तक पोजीशन देना है, तो तब तक हमारा मतलब ये कि काम कंप्लीट हो जाए, हम वहां शिफ्ट हो जाए, तो रुकावट ना, पंडित जी का टाइम लें, पंडित जी प्रॉपर आपको बताएंगे, वो इतने शॉर्ट टाइम पे होता नहीं है, प्रॉपर आपकी और आपके हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ से वर्किंग करनी पड़ेगी, उनकी फीस 5100 रुपए है, आप उनको दें और उनसे पूरा आप पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं, ओके जी, हाँ जी राहुल भाई, बिल्कुल सर, मैं एक्चुअली सबको एक बात और बताना चाहूंगा, जैसे अभी इनसे पहले जिस मैम ने पूछा था कि मैं रेमेडी मतलब वो प्याज के रस के ऊपर रेमेडी थी कि उसके थर्सडे को ही टाइम करना है क्या,
मैं एक चीज उसमें ऐड करना चाहूंगा सर, अब वो रेमेडी सर ने आपको अभी दे दी, सर के दिमाग में आ गई, सर ने रेमेडी दी, इस कोर्स के अंदर ऐसी बहुत सी रेमेडी होगी आपको बताई जाएगी जिसके अंदर आपका टाइम बाउंडेशन खत्म हो सके, या आप जो जिस दिन उस दिन जा रहे हो उस दिन कुछ क्या कर सकते हो उस दिन की रेमेडी बताई जाएगी, मतलब ऑन द डे स्पॉट की नहीं। ये तो स्पेशली रेमेडी दी, पर जैसे सर आपको आप संडे को मिलते हैं, बहुत से ऐसे कपल्स हैं जो संडे को मिल रहे होते हैं, बहुत से ऐसे लव एंड रिलेशनशिप जो होते हैं वो अलग अलग डेज में मिल रहे होते हैं, तो उसके लिए अलग अलग टाइप की रेमेडीज हैं और सर के पोटली में बहुत कुछ है, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को कोर्स ज्वाइन करेंगे तो उसके अंदर और भी बहुत सी चीजें मिलेंगी। और वैसे भी मैं आप सबको एक सिंपल सा, विजय सर से अगर आप कंसल्टेशन लेने भी जाते हैं तो इनकी फीस है 5,100 रुपीज, पर अगर ये कोर्स ही पूरा जो सर आपको सिखा रहे हैं वो 333 में इस समय, और छठा दिन फ्री, छठा दिन स्पेशल, उसमें सिर्फ 5 दिन लिखे हैं, हमने 6 दिन का कर दिया उसको ताकि आपको पूरा वैल्यू फॉर मनी मिल सके इस कोरोना के टाइम पे। बिल्कुल बिल्कुल सर, हो सकता है सर छठे दिन कुछ और एक्स्ट्रा दे दूं। बिल्कुल बिल्कुल, मालूम है मुझे, मालूम है तो मेरे चेले हो, एक्स्ट्रा दोगे ही दोगे। मैं सर सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर 5,100 रुपए लेके अगर आप कंसल्टेशन लेने जा रहे हो, इससे बेटर है कि आप सर से कोर्स करो और पूरा अपने लाइफ का स्मूथ चक्कर बना लो। ये सिर्फ इसी टाइम है जो ये हो रहा है, अगली बारी क्रिस कोर्स की फीस होगी 6,666, ये सिर्फ मेरे बैनर के अंडर जो आए हैं विजय भाई, मेरी रिक्वेस्ट पे उन्होंने ये पहली बारी करने के लिए करा है, वरना खुद भी ये कोर्स जो करवाते हैं वो 6,666 पे हम कर रहे हैं। आपके लिए बहुत बहुत सुनहरा मौका है। जसविंदर मैम, जय गुरु जी। सर आपकी क्लास का क्या करेंगे? कोई बात नहीं मैम, सब हो जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो? जसविंदर मैम आप मुझसे कनेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको दूसरा मैसेज कर रहा हूं। ओके सर, थैंक यू, फोन उठा लीजिएगा। हाँ हाँ, फोन उठा लीजिएगा राहुल सर। राहुल जी 11:30 to 7:30 यू कैन कॉल मी एनी टाइम, मैम आई विल पिक। मेरे पास 7,000 बच्चों का फोन आता रहता है। प्रॉब्लम समझो, राहुल भाई के पास अकेले 2 कान है और मेरे ही अकेले जो है 7,000 से ऊपर स्टूडेंट है, बेचारा करे तो करे। राहुल सर समझ गया मैंने क्यों बोला। कोई नहीं, आप अभी कॉल कर लीजिएगा, वेबिनार में कॉल कर लीजिएगा। संतोष जी जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संतोष जी जय गुरु जी। सर जय गुरु जी। जय गुरु जी संतोष मैम। मेरा थोड़ा कनेक्शन चला गया था जब सर वो शादी के लिए जो गोमती चक्र वाली रेमेडी बता रहे थे, तो सर रिपीट करेंगे उसको? नहीं मैम, रिकॉर्डिंग मिलेगी, रिकॉर्डिंग मैम करिएगा, मैम टाइम कम है और 15-16 मिनट हम साथ में हैं, तो और बच्चों को भी देखना है, आप उसके लिए रिकॉर्डिंग पूरी देखेंगे वो पूरा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू। विजय सर एक बॉस और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप भी होते हैं, उसको थोड़ा स्मूथ करो, कोरोना में बहुत दिक्कत आई है सबको ये। चलो ठीक है, एक रेमेडी मेरे रिक्वेस्ट में सबको देने। बिल्कुल राहुल भाई आप बोल रहे हैं तो एक और दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर देखो एक चीज मैं बताता हूँ आज के टाइम में क्या है कि बहुत चीज आप लोग भी देखोगे, आप लोग कई बिजनेस भी करते होंगे, जॉब भी करते होंगे, रिलेशनशिप प्रॉब्लम रहता होगा। ये रेमेडी एक है, पर इसमें करना 2 तरीके से है जो मैं रेमेडी आपको दे रहा हूँ। ये मेरे को देनी कोर्स में थी, पर कोर्स में चलो और भी है, ये एक मैं आपको स्पेशली आज फिर देते हैं। आपने करना क्या है कि आपका एक कच्चा सूत लेना है। कच्चा सूत समझते हैं आप लोग, जनेऊ होता है, जो हनुमान जी को भी चढ़ाते हैं, मैं भी डालता हूं और लोग भी ब्राह्मण डालते हैं, तो वो जनेऊ लेना है, पूजा वाली दुकान से आपको मिल जाएगा। केसर लेना है थोड़ा सा, ठीक है। गुरुवार वाले दिन आपने क्या करना है, जिस दिन ये ऑफिस वालों जो ऑफिस में जाना चाहते हैं उनके लिए और बिजनेसमैन है उनके लिए भी, गुरुवार वाले दिन आपने ऑफिस जाने से पहले और जिनको अपने बिजनेस पे दुकान पे ऑफिस में शॉप पे जहां जाना है उनको आपने ये जनेऊ कच्चा सूत जिसको कहते हैं ये सूत ले लेना है, कच्चा सूत जनेऊ जो मिल जाए आपको पूजा वाली दुकान से, ठीक है। उसको आपने क्या करना है, गुरुवार वाले दिन या मंगलवार वाले दिन, दोनों दिन में से कोई दिन आपने करना है, मंगलवार या गुरुवार। कच्चा सूत लेना है, केसर को आपने गंगा जल लेना है थोड़ा सा, गंगा जल में केसर को डालना है और थोड़ा पतला पतला बना लेना है, सूत को उसके अंदर डाल देना है आपने, ठीक है जी। ये आपने या तो घर से करके ले जाएं, जो घर से करके जा सकते हैं ले जाके,
और जो बिजनेसमैन तो वहां भी कर सकता है और घर से भी कर सकता है, बट ऑफिस वाले घर से ही करके ले जाएंगे, वहां नहीं कर पाएंगे। तो आपने कोशिश करना, अगर चांदी की कटोरी मिल जाए तो वेल एंड गुड है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, कांच की कटोरी भी चलेगी। ठीक है, लोहे की नहीं लेना, स्टील की नहीं लेना, एल्यूमिनियम की नहीं लेना, या तो सिर्फ चांदी की या फिर कांच। उसके अंदर आपने डालना है केसर को, गंगा जल डाल के केसर को पतला पतला कर लेना है। उसके अंदर उस सूत को डालते वक्त आपने जब डालने लगेंगे धीरे धीरे करके डाला, पूरा खोल के सूत को एक एक थोड़ा सा टच करेंगे, धीरे धीरे नीचे लाएंगे। आपने क्या बोलते हुए लाना, जिससे प्रॉब्लम है रिलेशनशिप उसके एम्प्लॉय के बीच में, उसका नाम लेते हुए आपने उसके अंदर डाउन करते जाना, डाउन करते जाना, डाउन करते जाना। डाउन करने के बाद बोलते रहना जिसके साथ प्रॉब्लम है, और इस वाली उंगली से, अभी फिर बता रहा हूं, ठीक है, ये वाली उंगली, इससे ऐसे ऐसे घुमाना है उसे आपने, घुमाते 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 आपने जब पूरा कलर हो जाए, आपने उसको निकालना है, व्हाइट पेपर लेना है A4 साइज का, उसके ऊपर रख देना है और सूखने देना, ठीक है, 15-20 मिनट में सूख जाएगा। उसको आपने उठाना है, मंदिर में रखना है, धूप बत्ती दिया करना है, माँ चामुंडा का नाम लेके, किसका, माँ चामुंडा का नाम लेके धूप दिया करना है, या माँ शेरावाली, माँ दुर्गे, किसी का भी ले लो, माँ माए जो एक है, किसी का नाम ले लो, उनको लेके धूप बत्ती दिखा के आपने वो ले जाके अपनी वर्किंग टेबल पे बांध देनी है। आपकी जो वर्किंग टेबल है उसको अंदर से नीचे से ऐसे बांध दे, गांठे जितनी रोल करके 7 गांठे लगा के बांध दे, आप देखना कितने अच्छे रिलेशन होने चालू हो जाएंगे कुछ दिनों के बाद। राधे राधे, जय जय श्री राधे, राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे। गैलेक्सी J2 जी, और किसी क्वेश्चन है तो प्लीज अभी रेज कर ले, हम 12 मिनट आपके साथ हैं। नमस्कार जी। जी मैम प्लीज। सर मुझे एक चीज पूछनी है, मान लो किसी को हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू है, सपोज किसी के गॉल ब्लैडर में कोई स्टोन हो, तो क्या उसके लिए कोई रेमेडी है स्टोन से रिलेटेड? बताओ विजय दुबे जी, हेल्थ के लिए आप क्या सिखाने वाले हो? आप हेल्थ को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, मैंने आपको शुरू में बताया कि हम बारिश में भीगते जरूर है पर छाता हमें बचाता है, उन चीजों को कम कर सकता है, हेल्थ में थोड़ी इम्प्रूवमेंट कर सकता है, पर गॉल ब्लैडर से निकले ये शायद मुश्किल है। देखो मैं कोई झूठ नहीं बोलना चाहता किसी से कि नहीं यार रेमेडीज में बड़ा दम है, ये रेमेडीज में दम है, पर वो आपको इम्प्रूव कर देगा, उस रास्ते पे ले जाएगा कि आपकी चीजें सारी ठीक हो जाए। जी हाँ जी, तो मैडम, रुको, एक छोटा सा मशीन आती है 300 रुपए की। अच्छा जी। वो मशीन हर दुकान पे मिलती है, आज लॉकडाउन है तो कल ले आना। हाँ, एक मशीन है मंत्रा मशीन ठीक, किसी भी दुकान से मिल जाती है। ठीक है, ठीक है, आपने वो मशीन खरीदने 300 की आए, 350 की आए, उसपे जो भी आपके कंसर्न पर्सन है उनकी एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, हाँ जी, उनके फोटोग्राफ के पीछे उनका पूरा नाम, हाँ जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ, हाँ जी, और वो फोटोग्राफ को आपने पीछे लिखना है कि ये बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका जिस भी भगवान को आप मानते हो, हाँ जी, उनको हाँ जी, थैंक्स बोलेंगे आप अफर्मेशन, ठीक है, ये यूनिवर्सल रेमेडी बता रहा हूँ, जिसके घर में जो भी प्रॉब्लम है ये उसको ठीक कर देता है, करने वाला वो ऊपर वाला है, हम सिर्फ आपको एक सोर्स दे सकते हैं। आपने मशीन पूछनी है आपसे, कि ये मशीन किसी को मतलब कि डोनेट करनी है? मैं बता रहा हूँ भी, सुनो, आपने वो मशीन खरीदनी है, उनकी फोटोग्राफ लेनी है, फोटोग्राफ के पीछे उनका नाम लिखना है, उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, इसके पीछे लिखना है वो बिल्कुल स्वस्थ होकर घर पे आ गए हैं या बिल्कुल ठीक हो गए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपने ये फोटोग्राफ उसकी उस स्पीकर पे लगानी है, जैसे मान लो ये मेरा फोन है, इसका ये स्पीकर है, वो फोटोग्राफ लेके यहाँ स्पीकर पे टेप कर देनी है। ओके सर। ठीक है, अब ये चला के आपने 24/7 छोड़ दो गायत्री मंत्रा, मंत्रा एक ही चलेगा, गायत्री मंत्रा, ठीक है जी, बहुत जबरदस्त रिजल्ट आए हैं। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे, तो वहां पे मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इसको एक्सपेरिमेंट किया और उनको उसके मार्वलस रिजल्ट मिले हैं। तो आप इसको करके देखें, ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो ये नहीं है कि उसकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हम बता रहे हैं, वैसे बता रहे हैं, ये एक बेसिक फॉर्मूला है। जो भी बीमार है अगर आप उसकी नब्स पकड़ के भी बोल सको गायत्री मंत्रा, अगर मशीन नहीं भी है किसी के पास
वो उस समय गायत्री मंत्र बोलना स्टार्ट कर दे तो उसकी हालत में सुधार आप खुद देख सकते हैं। थैंक यू। ऐसी रेमेडी है सर ने आपको बताया ना, ये डिवाइस आपको, ये देखो ये है डिवाइस मेरे पास, गायत्री मंत्र। थोड़ा ऊंचा करो, थोड़ा ऊंचा करो, थोड़ा ऊंचा करो। ये देखो ये मंत्र का डिवाइस है और इसमें सिर्फ गायत्री मंत्र चला के रखता हूँ मैं हमेशा, ठीक है। इसके ऊपर ये स्पीकर है, आप ये ऐसा मिल जाएगा, बिल्कुल सर ठीक कह रहे हैं। इसके ऊपर फोटो लगा दें आप उसकी, ऐसे रखिए, ठीक है। आप देखो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, गायत्री मंत्र चलने दो, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, एक उसके साथ आप एक मंत्र का जाप और करवा देना 108 बार, ओम धन्वंतराय नमः, ओम धन्वंतराय नमः। धन्वंतरी जो है भगवान, औषधि के देवता है। हाँ, ओम धन्वंतराय नमः का जाप 108 साथ में करवा देना, आप रिजल्ट देखना, मार्वेलस जी। उपेंद्र जीत मैम, जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। जी मैम, वो थर्ड पर्सन अगर है तो उसकी भी रिलेशनशिप में इश्यूज आते हैं, तो उसके लिए कोई रेमेडी? थर्ड पर्सन कैसे मतलब? सर वो अगर हस्बैंड का कहीं और अफेयर है, अफेयर चल रहा है। ओके ओके जी। विजय भाई देखिए, उसके लिए आप ये बेटर रहेगा कि आप ना कोर्स ज्वाइन करें, उसके अंदर बहुत सारी रेमेडीज हैं, ऐसे रिलेटेड बहुत पावरफुल रेमेडीज हैं, आप उसको करें। बाकी फर्क तो आप ये भी रेमेडीज करोगे ना, उससे भी आपको फर्क दिखाई देगा। करिश्मा मैम, फेस जो है आपकी तरफ होगा। विजय भाई एक बारी मशीन दिखाओ, फेस हमेशा करिश्मा मैम आपको फेस करेगा और जो पिक्चर की बैक है वो इस स्पीकर पे लगेगी। स्पीकर दिखाओ, स्पीकर स्पीकर दिखाओ, ये स्पीकर पे लगेगी उसकी, मतलब वो फोटो आपको देख रही होगी, आपने इसको ऐसे समझना है। जी 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 दिव्या मैम। सर अभी मेरे को ये पूछना था, जैसे अभी सर ने मेरे को अभी रेमेडी जो बता रहे थे कि ऑफिस में जैसे वर्कर के साथ, जैसे लेबर के साथ डील करते हुए एक पर्टिकुलर पर्सन की बात करें, जैसे ऑफिस में तो कई बार ये होता है ना, ऑफिस में नहीं मतलब फैक्ट्री जो लोग काम करते हैं बिजनेस, वहाँ पे लेबर बहुत ज्यादा इश्यू क्रिएट करते हैं, तो सब लेबर्स के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे? इंडिविजुअल इंडिविजुअल तो कर नहीं पाएंगे, कुछ ऐसा रेमेडी हो जो सबके साथ? उसके लिए मैम आपको क्लास ज्वाइन करें, गोमती चक्रा में ऐसी दो दो रेमेडीज ऐसी पावरफुल है जो एक ही बार सबके लिए करके रख दोगे, आप देखना खुद ही एनवायरमेंट कैसा होता है। उसमें आपको सारा बताऊंगा मैं आपको, एनर्जाइज वगैरह का मैंने खुद पहना हुआ है, ये विजय दुबे ने ही मुझे पहनवाया था, ये मैंने खुद पहना हुआ है, ये परमानेंट ब्लास्टलेट है, क्योंकि हम खुद एक हीलर हैं, कहीं ना कहीं पे हमारा सामना सब लोगों से होता है जो अपनी नेगेटिविटी हमें लाके देते हैं, क्योंकि देखो हम कर क्या रहे हैं, हम उनके दुख तो सुन रहे हैं। आज विजय भाई ने क्या करा है, आप सबकी प्रॉब्लम को सुना है और अपने ऊपर लिया है या उसका सोल्यूशन आपको दे रहे हैं, तो ये सबसे पहले नेगेटिविटी हमें पकड़ती है। जब तक हम अपनी रेमेडी नहीं करेंगे तब तक हम कैसे उसको संभाल पाएंगे? तो रेकी या इस घूमती चक्र एक बहुत बड़ा स्पोर्ट है। जितने भी लोग हीलर हैं या जितने भी लोग इस विद्या के साथ जुड़े हैं उनको घूमती चक्र का ब्रास्लेट जरूर पहनना चाहिए। तो ये एक ऐसी रेमेडी आपको मिलेगी जो आप यूनिवर्सल रेमेडी के साथ यूज कर सकते हो, और अपने जो भी आपके ऑफिस के वर्कर हैं या फैक्ट्री के वर्कर हैं उसके ऊपर कैसे आपको अपने आप को एनर्जी देनी है वो सबसे बड़ी बात है। जी निकिता मैम, जय गुरु जी। जय गुरु जी। जी निकिता मैम, सर जो आपने रेमेडी बताई थी ऑफिस वाली, आई जस्ट हैव टू कंफर्म, एक तो जैसे वर्क फ्रॉम होम हो रहा है अभी कई कई लोगों के लिए अभी भी, तो क्या वो पूरा रेमेडी करके वर्क डेस्क की जगह जो घर पे हमने वर्क डेस्क बनाया क्या वहां डाल सकते हैं अभी के लिए, वहां बांधा जा सकता है या नहीं? एंड सेकेंड थिंग वॉज कि मेरी एक फ्रेंड है जो डिप्रेशन की वजह से अपने बाल खींचने लगी है, जो सर के बाल है वो लिटरली उनको पुल करती है स्ट्रेस में, तो अब वो हेल्थ रीजन तो है वो मैं जानती हूँ, बट इट्स कमिंग फ्रॉम डिप्रेशन एंड स्ट्रेस, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? जी विजय भाई, आप एक तो उसको ब्लैक टर्मलाइन का ब्रेसलेट बनवाइए, ठीक है, ब्लैक टर्मिनाइन का ब्रेसलेट पड़ाएं, क्योंकि ईएमएफ एक एनर्जीज होती है जिसकी वजह से, दूसरा चंद्रमा थोड़ा सा डाउन है उसका, डाउन जा रहा है इसलिए वो ऐसी चीजें कर रही है, परेशान है वाली, परेशान मस्तिष्क से परेशान है वो, उसके लिए आप उसको एक तो पूर्णमासी वाले दिन रात को किसी भी तरीके से उसके हाथ से
पहली पूर्णमासी पे जल चढ़वा दोगे रात को 9 बजे के बाद, उसके बाद उसको डिनर करवाना है जल में कुछ मीठा डलवा के, उसको फर्क दिखाई दे जाएगा आपको, वो रेगुलर करवाएं आप लगातार। ओके जी, थैंक यू, वेलकम वेलकम। गैलेक्सी J2, चलिए ठीक है ठीक है। विजय भाई कुछ आप स्पेशल देना चाहे तो, क्योंकि और हमारे पास 4 मिनट है लास्ट। चलिए क्या लेना चाहेंगे, हेल्थ के लिए दे दें, जो आपको ठीक लगे प्रभु, आपकी माया है। चलिए आप हेल्थ के लिए ले लीजिए, या चलिए रिलेशनशिप को देते हैं, जब रिलेशनशिप का चल रहा है तो एक रिलेशनशिप के लिए और ले लो आप। ठीक है जी, प्लीज। ठीक है, एक रिलेशनशिप का क्या करना है, आपने प्रॉब्लम होती है हस्बैंड वाइफ में ज्यादा, घर में जब साथ रह रहे होते हैं बड़ा प्रॉब्लम पड़ता है, चीजें दिक्कत होती है, तो इसके लिए क्या करें कि आप नीम की पत्तियां ले लें, नीम की पत्ती ताजी, सूखी हुई नहीं लानी, बेशक डाल तोड़ लाएं, नीम की पत्तियां इतनी ले लें कि आपके एक बेड पे आ जाए वो। नीम की पत्ती लेनी है, नीम की पत्ती के साथ थोड़े से आपने नमक लेना है, नमक सेंधा नमक या लाहौरी नमक भी कह सकते हैं, पीले पीले से पत्थर, जो पत्थर स्टोन रॉक स्टोन जैसे होते हैं, वो छोटे छोटे टुकड़े ले लें, और थोड़ा सा आप उसके साथ अगर मिलाना चाहें तो संतरे के छिलके भी ले सकते हैं। उन तीनों को मिक्स करके सैटरडे वाले दिन अपने बेड के नीचे बिछा दें और उसके ऊपर अपना गद्दा लगाएं और दोनों हस्बैंड वाइफ सोए। ठीक है, एक बार जगह चेंज करेंगे आप, ये ध्यान रख लेना जगह चेंज करनी है, एक बार आपने इधर करना है एक बार उधर, तो जगह चेंज करते हुए आपने 3 दिन इधर सोना है 3 दिन उधर सोना है, ये लगातार करें, और जब ये सूख जाए तो इसको उठा के या तो आप हाथ कहीं भी डालें पेड़ के नीचे या बहते पानी में कर दें, आप लोगों के रिलेशनशिप अच्छे होने चालू हो जाएंगे। दोबारा से इसको कंटिन्यू करोगे बढ़िया रहेगा, धीरे धीरे 6 से 8 महीने ये रेमेडी करें एटलीस्ट। राधे राधे, जय श्री राधे। ठीक है सर, थैंक यू। और एक दो लोग हैं, उनसे बात कर लीजिए। रचना मैम, जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। हाँ जी, रिलेशनशिप पे है आज, तो मेरी बेटी का है डेट ऑफ बर्थ 21 जुलाई 1994। उसके मैरिज के बारे में पूछना। मैम आज तो क्या पर्सनल डेट ऑफ बर्थ नहीं ले रहे हैं, सिर्फ वो रेमेडीज को नॉर्मल बता रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ के लिए आप सर से कंसल्ट करें, उनकी अपनी फीस 5100 है, नहीं तो आप इस कोर्स को ज्वाइन करें जहाँ पे हम एक स्पेशल रेट में आपको सिखा रहे हैं 6 दिन के लिए। जी जी जी, लिंक अप इंडिया। जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी। राधे राधे क्लास, मैं राहुल से आपका स्वागत करता हूँ अपने सेमिनार में, जहाँ विजय जी भी सर ने आपको बहुत अच्छी अच्छी रेमेडीज दी हैं, और सर के पास बहुत अमेजिंग बहुत ही कारगर रेमेडीज हैं जो आपकी लाइफ को स्मूथ कर सकती है। आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, या आप अकॉल्ट साइंस से रिलेट रखते हैं या नहीं रखते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, आप ये सब रेमेडीज सीख सकते हैं। 19 जून से एक क्लास चालू हो रहा है जिसकी फीस रखी गई है 3333। बहुत ही मैजिकल इफेक्टिव रेमेडीज है, इस कोर्स का नाम भी यही है, मैजिकल इफेक्टिव रेमेडीज। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन करें। आप ज्वाइन करने के लिए मुझसे 7715930333 पे कनेक्ट कर सकते हैं, या विजय सर से। विजय सर प्लीज अपना नंबर बताइए। 9911226755। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, हम लोगों से कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये कोर्स का जैसे भी एक क्लास का भी इशू आया था तो उसका टाइमिंग भी सेट कर लिया जाएगा, अगर कोई टाइमिंग का इश्यूज होगा तो देखते हैं कैसे मैनेज हो, वो मैनेज कर लिया जाएगा। इस कोर्स की वीडियो रिकॉर्डिंग्स और सर्टिफिकेशन आपको मिला, आपको दिया जाएगा, और आपकी लाइफ से रिलेटेड हर पहलू को अगर देखा जाए तो हेल्थ वेल्थ फैमिली किड्स किड्स प्रोफेशन बच्चे शादी हर तरीके के बॉस और एम्प्लॉय एम्प्लॉयर से रिलेशन बॉय से रिलेशन आपके किस तरीके जितने भी पहलू हैं सब पहलुओं को इसमें आपके इस सब तरीके की जिंदगी जो जो इश्यूज हैं वो सबको सॉल्व किया जाएगा। हर पर्सन की लाइफ में कभी प्रॉपर्टी कभी लीगल कभी बिजनेस कभी कुछ इशू लगे रहते हैं, हर तरीके की रेमेडी दी जाएगी जिससे आप अपनी इस लाइफ को स्मूथ और बेटर तरीके से चला पाएंगे। तो आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल
who wants to join us, join to connect कीजिए हम लोगों से. हम आपको इस पूरे 6 दिन के अंदर, जैसे सर ने एक दिन आपके लिए एक्स्ट्रा कर दिया क्वेश्चन आंसर्स के लिए, आपको हर तरीके से सिखाया जाएगा और डिटेल में सिखाया जाएगा. राधे राधे. राधे राधे. चलिए जी, देवेंद्र भाई कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जय गुरु जी संदीप सर. जय गुरु जी डियर. जय गुरु जी. सर मैंने भी बीच में ज्वाइन किया था, बट रियली थैंक्स फॉर कंडक्टिंग सच काइंड ऑफ वेबिनार्स. ऑलवेज वेलकम डियर, ऑलवेज वेलकम. बहुत सर काफी कुछ सीखने को मिला सर, और जो गुरु जी हैं उनको भी हमारी तरफ से नमस्कार और धन्यवाद. बहुत ही बढ़िया सर, बहुत अच्छी लर्निंग्स रही हैं सर, बहुत अच्छी टीचिंग्स रही हैं, ये कि हम आगे जाके जो है लोगों को साथ ये सारी चीजें रेमेडीज शेयर कर सकते हैं सर, ताकि जो है सबका भला हो सर. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर, वी लव यू सर. वेलकम डियर, वेलकम डियर. महेश भाई, महेश भाई जय गुरु जी. हाँ सर, मुझे रेमेडी एक चाहिए थी, जैसे कि नींद की. हम जब सोने के लिए जब जाते हैं ना, तब कोई अगर हम दिन में अगर कुछ काम पे कुछ हो जाता है तो वो बात जो है ना वो माइंड में रहता है, उसकी वजह से ना थोड़ा नींद में थोड़े कुछ परेशानी हो जाती है, तो वो ऐसा बात निकलने के लिए ऐसा कुछ रेमेडी है क्या? बताओ दुबे साहब. चलो ठीक है सर, एक रेमेडी और देते हैं. लो ये भी रेमेडी है हमारा, ये लो, लो आप रेमेडी लो सर. दे दो. आप दिन भर की टेंशन सबको रहती है, ठीक है ना, काम करके आते हैं, चीजें अप एंड डाउन रहती हैं सबको, तो रात में नींद भी नहीं आती कईयों को, ठीक है. तो आप क्या करें, जब भी आप सोए, जब भी आप सोने लगे, जब सारी चीजें आप निर्वृत्त हो जाए, लास्ट में आपको बेड पे सोना है, अब जाके और कुछ काम नहीं करना, ठीक है. टीवी देख लिया, बुक्स पढ़ ली, जो काम करने निपटा लिया, आपने एक लोटे के अंदर, ठीक है, या एक गिलास के अंदर आपने पानी लेना है फ्रेश, ठीक है, और वो अपने सिराने रख के सो जाएं. ओके. सोने के बाद जैसे ही आप उठेंगे तो ऐसे रखना कि पैर से वो गिरे नहीं आपके. सुबह उठते ही सबसे पहले वो पानी लेके आप किसी भी कांटे वाले पौधे में डाल दें, ठीक है. ओके. ये आपको रिलैक्स मिलना चालू हो जाएगा सर, धीरे धीरे, बिल्कुल पहले दिन से फर्क पड़ जाएगा. हर दिन करनी है सर? हाँ जी, रेमेडी हर दिन करनी है सर. खाना हर रोज खाते हैं हम. बिल्कुल बिल्कुल, हर दिन करनी है सर. ओके, रोज करें सर, रोज करें सर, रोज करें. अच्छा रहेगा सर, ये आपके लिए बढ़िया रहेगा, इसलिए बोल रहा हूँ, रेगुलर करें. विजय भाई, इसके लिए तो मैं भी थैंक यू बोलूंगा, क्योंकि ये रेमेडी आपने मुझे भी दी थी, और 7000 स्टूडेंट को संभालते संभालते मेरी दीदी रात को उठ जाती है. संदीप सर मुझे रात को 11 बजे ही फोन करते थे कि सर वीडियो नहीं चल रही है, तो उस चीज के लिए मेरी नींद हवा खराब होती है. तो वो ये रेमेडी जो आपने मुझे भी दी थी, इसका इफेक्ट वाकई वंडरफुल है. और ये जिन भी साहब ने पूछी है, प्लीज ये भी रामबाण की तरह ही काम करती है. विजय सर थैंक यू टू कंडक्टिंग दिस सर्च ऑफ दिस थिंग्स. आप वाकई जो आपके पास इलाज है वो जीवन को बदलने वाले इलाज है. मैं तो राहुल जी सबको यही कहना चाहूंगा कि ज्वाइन करें, अभी तो कुछ नहीं है. ये कहते हैं ना कि वो एक आम बोल चाल की भाषा में, ये सिर्फ टेलर था. संदीप सर को भी थैंक यू कहूंगा, जो विजय दुबे सर के कीमती समय से समय निकाल के आपने वेबिनार किया और क्लासेस लेने का. राहुल भाई मेन बात यही है कि देखो हम कहीं ना कहीं ह्यूमन काइंड से जुड़े हुए हैं. बिल्कुल सर, मैं अभी भी सबको रिक्वेस्ट करूंगा, कोरोना खत्म नहीं हुआ है. आज जितना भी है सरकार ने खोल दिया है लॉकडाउन, ये उनकी मर्जी थी, जिंदगी हमारी है दोस्तों. किसी भी हालत में आपने बिना मास्क के घर से बाहर नहीं निकलना. कुछ ऐसे मैसेज भी आ रहे हैं कि जिनको 2 लग गई है डोज वो निकल सकते हैं. ना, बिल्कुल भी इसको हल्के में नहीं लेना. आप जाए नहीं, निकलना है तो 100% इमरजेंसी है तभी निकलना है, नहीं तो अवॉइड करो, घर पे ही जो हो सकते हैं मंगाए. तो साहब ऐसी कोई कैलकुलेशन नहीं है कि कितनी रेमेडीज हैं, रेमेडीज के हिसाब से पूरा विजय साहब का कोर्स रेडी है, वो कोर्स में आपको पूरा बताएंगे. तो चलिए दोस्तों आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से मिलके. आप सब ब्लेस्ड रहे, सुखी रहे, तंदुरुस्त रहे, हम इसी चीज की कामना करते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों. जय गुरु जी, जय गुरु जी, स्टे ब्लेस्ड. थैंक यू सर. बजाज सर आपका थैंक यू, राहुल भाई आपका भी सपोर्ट के लिए थैंक यू, आप सबका आने के लिए धन्यवाद. राधे राधे. राधे राधे. राधे राधे. स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी.